पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं अपग्रेड मेरे यानी अक्षय बिलोनिया के साथ। ये कहानी है 18-19 साल के एक लड़के की जिसे अनजान शहर में मिलता है एक मैजिक सिस्टम जिसकी मदद से वो करने लगता है चीजें अपग्रेड। जिसके पास सिर्फ पहले गरीबी थी अब उसके पास है कई राज। क्या थे वो राज और कैसा था वो सिस्टम, जानने के लिए सुने अपग्रेड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 1 पॉइंट्स। एक अंधेरे कमरे में जहां लाइट्स खराब थी और बार बार ऑन ऑफ हो रही थी, वहां हर जगह सब कुछ अजीब था। पूरा कमरा अजीब चीजों से भरा हुआ था। वहां एक खरगोश था जिसके पंख थे और वो पिंजरे में बंद था। एक संतरा था जो बिल्कुल केले जैसा दिख रहा था। एक टेबल थी जिसका साइज हाथ से भी छोटा था और एक बुक थी जिसका कवर 6 फुट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। उस बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया था। उस कमरे में जहां सारी चीजें उल्टी सीधी थी, वहां एक 18-19 साल का लड़का लेटा हुआ था। वो अपना मोबाइल चला रहा था और इस जुगाड़ में था कि कैसे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बहुत से पैसे कमा सके। वो सब कुछ एक नोटबुक में लिख रहा था और अचानक से उसकी माँ का कॉल आया। उसने सब कुछ जल्दी से ठीक किया और वो कॉल लेने के लिए बैठ गया। मोबाइल को कान पर लगाते हुए उसने पूछा, हेलो मॉम, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना, आपने इस टाइम कॉल किया। उसकी माँ साउथ इंडियन थी और उन्होंने साउदर्न एक्सेंट में जवाब दिया, कुछ खास नहीं, सिर्फ देखना चाहती थी कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। 2 मिनट रुकने के बाद उसकी माँ ने पूछा, तुम इस टाइम जगे हुए हो, सब ठीक तो है ना, स्कूल में कुछ गड़बड़ तो नहीं की। लड़के ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप और पापा मेरी टेंशन मत लो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में ही माँ ने पूछा, तुम्हें पैसों की जरूरत है, क्या मैं ट्रांसफर करा दूं, मैं तुम्हें 3,000 रुपए दे देती हूँ। तब लड़के ने कहा, अरे नहीं आप मत दो, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और उससे मैं अपने एक्सपेंसेस उठा लूंगा, आप उससे अपने लिए नए कपड़े ले आओ। माँ ने कहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, तुम अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि शहर में रहना आसान नहीं होता, बहुत से खर्चे होते हैं वहाँ, इसलिए तुम सेविंग्स किया करो। ढेर सारी नसीहतों के बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने फोन रख दिया। उस लड़के का नाम यश था, वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जिस गांव का वो था उस गांव को एक गरीब गांव माना जाता था। वहां उसके माता पिता की तरह सभी लोग खेती करते थे। उसके खर्चों और कॉलेज की फीस में ही फैमिली की सारी सेविंग्स खत्म हो जाती थी। बैंगलोर में रहना मुश्किल था, पर कभी भी उसने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि यश एक गरीब गांव का लड़का था, इसलिए वो जानता था कि उसे कमाना भी है और अपने डेली एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं। सब ठीक चल रहा था, यश किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन 1 महीने पहले सब बदल गया। उसे एक मैजिक सिस्टम मिला। वैसे तो आज की जनरेशन में इन सब चीजों को फैंटेसी से जोड़ा जाता है, लेकिन यश जानता था कि ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि ये सच था। वैसे भी दुनिया में मैजिक जैसी चीजें किसी ना किसी के साथ होती ही रहती हैं। अब ये मैजिक सिस्टम भी कोई ऐसी ही बला थी, एक ऐसा मैजिक सिस्टम जिसमें मिशन कंप्लीट करने पर पॉइंट्स मिलते थे। उन पॉइंट्स को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे उसने पॉइंट्स की मदद से खरगोश के पंख बना दिए, संतरे को केले में बदल दिया और बुक को बड़ा कर दिया। सब कुछ अजीब था। यश अपनी उस मैजिकल दुनिया में खोने लगा। उस मैजिक सिस्टम के साथ उसने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। इस बार उसने सोचा था कि वो कुछ बहुत अलग बनाएगा, पर उसने एक अजीब सा मॉन्स्टर बनाया। उस मॉन्स्टर का नाम था टीटू। यश की नजर एक फ्लावर पॉट पर टिक गई थी। उस पॉट में एक सूखी टहनी थी जो टेढ़े छड़ी की तरह दिख रही थी और उसे मिट्टी में पुरानी पत्तियों के सहारे गाड़ा गया था। यश ने उस छोटे से मॉन्स्टर से कहा, टीटू मुझे पानी दे। आवाज सुनते ही वो लकड़ी का बना मॉन्स्टर आगे आया और उसने ग्लास में पानी भरकर यश को दिया। फिर यश ने पानी पीते हुए कहा, थैंक यू टीटू, तू डंडा होकर भी मेरी लाइफ में डंडा नहीं कर रहा। तब उस छोटे से मॉन्स्टर ने एक प्यारी सी स्माइल दी, मानो वो अपनी तारीफ सुन के शर्मा रहा हो। यश ने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी थी और उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे।
उसके पास रोजाना के खर्च संभालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। कहीं ना कहीं वो जानता था कि ये सिस्टम उसकी और उसके परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। उसने मैजिक सिस्टम को बुलाया और देखा कि उसमें अब एक ऑप्शन दिख रहा था। ये सिस्टम बिल्कुल वैसा था जैसा एक फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उस विंडो पर उसे सिर्फ दो चीजें दिखाई दी, एक थी मिशन और दूसरी थी रैंडम पॉइंट्स। जब उसने मिशन टैब पर क्लिक किया तो उसे तीन और चीजें दिखाई दी, जो थी रैंडम मिशन, ब्रॉन्ज मिशन और सिल्वर मिशन। मिशन पूरा करने पर उसे रैंडम पॉइंट्स मिलते। वो सोच रहा था कि ब्रॉन्ज मिशन और सिल्वर मिशन में से किसी एक को चुनना हो तो वो कौन सा चुने। यश ने अपने कमरे में चारों ओर देखा। जिन चीजों पर कोई भी पॉइंट पहले से नहीं होता उन चीजों के आगे प्लस साइन लगा होता था, और जिन्हें पॉइंट मिल चुका होता था वो एक वाइट फ्रेम में होते थे, जैसे टीटू के नाम के आगे लिखा था प्लस वन, जिसका मतलब होता था कि इसे पॉइंट्स दिए जा चुके हैं। ऐसे ही उस खरगोश के आगे और उस बुक के आगे भी प्लस वन साइन था, और साथ में कुछ कमेंट एडिट थे। सबसे फनी कमेंट उस केले पे था जिस पे लिखा था, क्या सोचते हो, क्या ये केला संतरे जैसा टेस्ट करता होगा या ये संतरा एक केले जैसा। सब कुछ सिर्फ लक पर डिपेंड करता था, क्योंकि उस सिस्टम का नाम था रैंडम पॉइंट्स। वो ये सब देख ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग से एक आवाज आई, अ न्यू रैंडम मिशन। रैंडम मिशन का नाम था रजिया गुंडों में फंस गई, मतलब उसे एक लड़की को बचाना था। उसके लिए ये बहुत ही आउटडेटेड था, पर फिर भी बिना किसी देरी के उसने अपना बैग उठाया और साथ ही में एक ईंट उठाई और दरवाजे से बाहर आ गया। यश के पड़ोस में युक्ति रहती थी, जो अपने काम से लौट रही थी। वो बहुत लंबी तो नहीं थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल एक डॉल जैसा दिखता था। वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुकी थी और बैंगलोर यूनिवर्सिटी में आज उसकी जॉब का पहला दिन था, और वहां वो अपने एक्स लेक्चरर से बात करने के चक्कर में घर लौटने के लिए लेट हो गई। वैसे वो जानती थी कि जिस एरिया में वो रहती है वो सेफ है, लेकिन एक दिन उसके सामने एक शराबी आ गया था। युक्ति घबरा गई और उसने अपने बैग को जोर से पकड़ लिया। वो आदमी उसे बहुत ही गंदे तरीके से देख रहा था। युक्ति सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन अचानक उसे आवाज सुनाई दी। शराबी बोला, रुको, भागो मत, मुझे हेलो तो बोलती जाओ। वो नर्वस हो गई और बोली, जाओ यहां से, मैं पुलिस को बुला रही हूं। शराबी फिर भी नहीं घबराया और बोला, पुलिस वाले सिर्फ मुझसे पूछताछ करेंगे, लेकिन मैंने तो तुम्हें छुआ ही नहीं, सिर्फ हेलो बोला। डर के कारण युक्ति की आंखें लाल हो गई और उसने फिर से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें। तब शराबी ने कहा, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। फिर शराबी आगे आने लगा, युक्ति और डरने लगी। तभी इतने में एक ईंट किसी अंधेरे से आई और उसके सर पर आकर लग गई। उस शराबी का बहुत खून बहने लगा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और देखते ही देखते वो बेहोश होकर गिर गया। युक्ति बहुत डर गई। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, उसने देखा एक लंबा सा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। वो यश था। युक्ति अभी भी बहुत डरी हुई थी। यश आगे आया और उसने अपनी ईंट को उठाकर साफ किया। फिर वो वापस मुड़कर जाने लगा। युक्ति सोचने लगी, क्या ये वापस जा रहा है, और अचानक से बोली, सुनो, तुम कौन हो। यश बिना कुछ कहे फिर आगे बढ़ने लगा। तब युक्ति बोली, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना। फिर यश ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। फिर यश युक्ति की तरफ बढ़ा और अपनी जेब से उसे एक पेपर निकाल कर दिया। उसने उस कागज को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मुझे टैक्सी फेयर मिल सकता है। युक्ति हैरान हो गई। पहले तो उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। यश ने फिर से कहा, मैं यहां तुम्हें बचाने आया था टैक्सी में, इसलिए तुम मुझे वो टैक्सी का फेयर दे दो। युक्ति को कुछ समझ नहीं आया और उसने 150 रुपए दे दिए। युक्ति ने शराबी को देखा और फिर यश की तरफ मुड़कर बोली, अगर इसे कुछ हो गया तो। यश ने कहा, इसे कुछ नहीं होगा, ये मरेगा नहीं। मैंने बहुत से लोगों को बचाया है और बहुत से लोगों के सर भी फोड़े हैं। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। और ये बोलकर वो चला गया। युक्ति ने उस शराबी को देखा और फिर उस पेपर को, जिस पर 3 दिन पुरानी डेट थी, और ये पढ़ते ही
उसके प्यारे से चेहरे पर स्माइल आ गई। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं अपग्रेड मेरे यानी अक्षय बिलोनिया के साथ। चैप्टर टू, फर्स्ट मिशन। यश अपनी कॉलोनी का आधा चक्कर लगाकर अब अपने कमरे में आ चुका था। यश ने टीटू की ओर अपना बैग फेंका और उसने बड़ी आसानी से कैच कर लिया था। फिर यश बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। वो हाथ धोते धोते सोच रहा था, पहले तो लड़कियों की जान बचाने में मजा आ रहा था, पर अब वो बात नहीं रही। बोरिंग हो गया है ये काम, क्या सिस्टम में कुछ नया और इनोवेटिव मिशन नहीं है? उसने फिर कहा, क्या मैं कोई बुढ़ी अम्मा की मदद नहीं कर सकता? या तो कुछ मुझ जैसे गरीबों की मदद कर दूं जिन्हें जरूरत हो। खैर, कल के खाने का इंतजाम हो गया है, आज 200 रुपए मिले हैं। थोड़े दिन पहले वो सोच रहा था, लड़कियों की जान बचा तो रहा हूं, कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है, ना कोई लड़की मुझसे प्यार करने लगी है। थोड़े टाइम बाद ही उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना वो इनसे इस काम के पैसे ले। पैसों की जरूरत भी थी और तब से यश ने यही करने का तय कर लिया था। पर उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स थे। वो साथ ही साथ टैक्सी की रिसिप्ट भी ले लेता था ताकि वो लड़कियां अपनी कंपनी से फेयर क्लेम कर सकें। लड़कियों को उनके रुपए भी मिल जाएंगे और उसके एक्सपेंसेस भी कवर हो जाएंगे। ये विन विन सिचुएशन थी। ये सब सोच विचार करते करते यश ने ईंट साफ कर ली थी। उसके बाद वो अपने सिस्टम पर लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड देखने लगा। उसके स्क्रीन पर रैंडम पॉइंट्स अब 0 से 1 हो चुके थे। फिर वो सिस्टम बंद करके बैठ के और चल दिया और जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंखें आधी ही खुली हुई थी, उसके मोबाइल पर श्रेया का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और मिस्ड कॉल आया हुआ था। श्रेया उसके क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी। श्रेया बैंगलोर यूनिवर्सिटी की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी हाइट करीबन 5'6" थी और फिगर भी अच्छा था। उसके फेस पर हमेशा ही ग्लो रहता था और उसकी आंखों के तो कई दीवाने थे। चेहरा मानो ओवल और एक हाथ जितना लंबा था। उसे सब बॉलीवुड में जाने के लिए इंसिस्ट किया करते थे। श्रेया का ना केवल चेहरा ही ग्लो करता था पर उसकी इंटेलिजेंस भी काफी चर्चा में थी। शी वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स। यश को भी ऐसा ही लगता था क्योंकि सेमेस्टर शुरू होने के साथ ही वो सारे टीचर्स के गुड लुक्स में आ चुकी थी। इस साल की मिस फ्रेशर्स का ताज भी इसी ने जीता था। नो डाउट यूनिवर्सिटी के सारे लड़कों का क्रश बन चुकी थी। पर एक बात अजीब थी श्रेया के साथ, शुरुआती सेमेस्टर में उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बल्कि लड़कियां उससे जलती थी। उसके साथ ना तो कोई बात करता था और ना ही कोई साथ में बैठकर टिफिन खाता था। कुछ समय बाद यह रिवर्स हो गया था। अभी यूनिवर्सिटी की दूसरी लड़कियां श्रेया के साथ रहने लगी थी। ये सब देखकर सारे लड़के शॉक हो गए थे और लड़कियों से पूछने लगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दोस्त बन गए, पर उनके हाथ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी। यश और बाकी के स्टूडेंट्स श्रेया से काफी क्लोज हो गए थे। उसका स्वीट और केयरिंग नेचर सबको अच्छा लगता था। यश ने व्हाट्सएप खोला और उसके मैसेजेस पढ़े। श्रेया ने लिखा था कि आज का इंग्लिश लेक्चर किसी भी सिचुएशन में मिस मत करना। आज नई लेक्चरर आने वाली थी और माना जा रहा है कि वो स्ट्रिक्ट है। श्रेया को यश के हालात मालूम थे और जानती थी कि वो सिर्फ एक आम लड़का है जो जॉब भी करता था, इसलिए काफी लेक्चर्स यश के मिस हो जाया करते थे। अटेंडेंस भी वो संभाल लिया करती थी। यश आज भी काम पर जाने वाला था, पर अब उसका ये प्लान कैंसिल होता दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि इंग्लिश लेक्चर्स काफी मिस हो चुके थे और ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी था। अगर वो नहीं गया तो नए टीचर के सामने उसकी इमेज डाउन हो सकती थी। ये रिस्क वो नहीं ले सकता था। उसने श्रेया को रिप्लाई किया, ओके थैंक यू, और श्रेया के लिए रेस्पेक्ट और भी बढ़ गई थी। जब वो फोन लॉक करने लगा तब उसकी नजर एक इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट पे आकर अटक गई। प्रोफाइल पिक्चर किसी लड़की की थी और उसे ऐसा लगा कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा हुआ है। थोड़ी देर गौर से देखने के बाद रियलाइज हुआ कि ये तो युक्ति है। वो उसकी नेबर थी पर उसने कभी उसे रूबरू नहीं देखा था। अभी वो एक्सेप्ट और डिलीट के बटन्स के ऊपर ही हाथ घुमा रहा था। थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि युक्ति ने फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजी। यश ने फाइनली डिसाइड किया कि उनके सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी और उससे ज्यादा कुछ होगा भी नहीं। यश ने लास्ट में डिलीट का बटन दबा दिया। उसने फोन चार्ज पे रखा और तैयार होने लगा।
हाफ एन आवर में वो रेडी हो गया था और टीटू को समझाकर ये घर का ध्यान रखना, वो कमरे से अपने बैग, फोन और चाबी के साथ निकल गया। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होने की वजह से क्लास में स्टूडेंट्स के नंबर काफी हो जाते थे, क्योंकि आज नई लेक्चरर आने वाली थी। आज का लेक्चर बड़े हॉल में रखा गया था। यश जब गेट से अंदर गया तब उसने देखा कि सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। श्रेया भी आगे ही बैठी थी। उसने प्लेन टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, फिर भी वो फैशनेबल और सुंदर लग रही थी। श्रेया ने उसे देखकर हाय करा, तब यश ने वेव करते हुए लास्ट रो में कोने वाली सीट पकड़ ली। जैसे बाकी के स्टूडेंट्स फोन में बिजी थे, वैसे ही यश भी बिजी हो गया था। उसने अपना मैजिक सिस्टम चालू किया और सोचने लगा कि ये रैंडम पॉइंट से अब वो क्या करे। वो सोचने लगा, ये पॉइंट इस पेन पे इस्तेमाल कर लेता हूं, फिर ये मैजिक पेन बन जाएगा जो कि खुद से लिख सकता हो, जो मुझे किसी ट्रेजर का पता बता दे, या ये पेन किसी एंजल में बदल जाए जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, या कोई मैजिक कर सके जिससे मैं पैसा कमा सकूं। नहीं तो इस पॉइंट को मैं मेरे डेबिट कार्ड पर लगा देता हूं, जिससे मैं जितना चाहूं उतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट से निकाल सकूं। पर अगर ये चीज किसी को मालूम चलेगी तो शायद मुझे जेल भी जाना पड़े। उसकी इमेजिनेशन जब इधर उधर जा रही थी तब पूरा हॉल साइलेंट हो चुका था। यश ने फोन से ऊपर देखा तो अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो नई टीचर युक्ति थी। वो शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने लगा। युक्ति उसे बिना नोटिस किए स्टेज की ओर जा रही थी। स्टूडेंट्स गॉसिप कर रहे थे, इतनी कम उम्र की लड़की हमें पढ़ाएगी। कुछ लड़के कह रहे थे, कितनी सुंदर है यार, ये पढ़ाएगी तो मैं डेली क्लास आऊंगा भाई। और लड़कियां उसके कपड़ों पर कमेंट्स कर रही थी। तब युक्ति ने अपनी स्ट्रॉन्ग आवाज में कहा, साइलेंस। और फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने बोला, माय नेम इज युक्ति शर्मा, आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। मैं आप लोगों से बहुत बड़ी नहीं हूं, सो यू कैन कॉल मी बाय माय फर्स्ट नेम। अब अटेंडेंस बनाते हैं। युक्ति ने नाम बुलाने से पहले एक बार हॉल को पूरी तरह से देखा और मन में सोचा, कम ऑन युक्ति, यू कैन डू इट। फिर उसने नाम बुलाने शुरू किए, पर जब तक यश का नाम आया तब तक युक्ति थक चुकी थी और वो रोल नंबर से बुलाने लग गई थी। यश की खुशी अलग स्तर पे पहुंच गई थी। युक्ति ने क्लास स्टार्ट की। उसकी आवाज जितनी कॉन्फिडेंट थी उसके पांव उतने ही कांप रहे थे, पर स्टूडेंट्स की नजर वहां नहीं गई थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे युक्ति परेशान और नर्वस होने लगी थी। होगी भी कैसे नहीं, 250 लोगों के सामने बोलना आसान नहीं होता। थोड़े टाइम बाद जब नर्वसनेस बढ़ रही थी तब ये स्टूडेंट्स भी देख पा रहे थे। फिर भी उन्होंने कोई भी हरकत ना करते हुए लेक्चर पे ध्यान देना जरूरी समझा। यश को यह सब्जेक्ट कभी पसंद नहीं था, हमेशा से ही उसे कम मार्क्स आते थे। और तो और अब युक्ति भी परेशान हो रही थी। तब यश ने सोचा कि किसने इस सब्जेक्ट को कंपलसरी बनाया। तभी उसने अपना ध्यान फिर से लेक्चर पे लगाना शुरू किया। युक्ति स्टेज पर यही सोच रही थी, काश मैं प्रोफेसर विद्या की एडवाइस मान लेती तब ये सब नहीं होता। उन्होंने तो कहा था पहला लेक्चर इतनी बड़ी क्लास का मत लो, पर युक्ति ने वो बात नहीं मानी। ये सब सोचते सोचते उसने एक दो वर्ड भी गलत प्रोनाउंस कर दिए थे। जैसे जैसे लास्ट के मिनट्स पास आ रहे थे वैसे वैसे युक्ति की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। फिर भी उसने किसी तरह मैनेज कर ही लिया। आखिर में क्लास खत्म हो गई। यश ने भी अपने आप को छुपाने में सक्सेसफुल कर ही लिया था। लास्ट रो ने उसकी काफी मदद की थी। उसने लगभग 2-3 बार ही मुंह ऊपर किया था और अब जाते जाते भी मुंह नीचे करके ही जा रहा था। तभी सिस्टम से मैसेज आया और उसकी टेंशन बढ़ गई। ब्रॉन्ज मिशन एक्टिवेटेड, हेल्प न्यू इंग्लिश टीचर। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, बने रहिए पॉकेट एफएम पर मेरे साथ। चैप्टर 3, आई वॉन्ट टू कैच शार्क। व्हाट द हेल, ये मिशन कहां से आ गया? यश ने अपना सर उठाया और पोडियम की तरफ देखा। युक्ति का चेहरा काफी पीला पड़ गया था और वो किसी गहरी सोच में लग रही थी। वो अपनी फाइल्स बैग में डाल रही थी। ये पनौती है क्या, बार बार इसके मिशन क्यों आते हैं? लग तो नहीं रहा कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। करना क्या होगा मुझे अब? किस चीज में मदद करूं युक्ति की? ये सोचकर
यश ने मिशन पर टैप किया। ब्राउन्स मिशन, हेल्प द न्यू इंग्लिश टीचर। न्यू इंग्लिश टीचर कंफ्यूज है और वो किसी भी समय स्टेज के नीचे गिरने वाली है। उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी, प्लीज उन्हें बचा लो। यश ने स्टेज की तरफ देखा और उसे एक बुक गिरी पड़ी मिली। उसे समझ आ गया था कि कोई वहां ये बुक छोड़ के गया है और युक्ति के पैर इस पे आ सकते हैं। बुक पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ था, एक स्टेप में ही काम तमाम हो सकता है। यश अपने फेस को नीचे करते हुए जोर से बोला, मैम आप गिरने वाले हो, संभल कर। ये बात वहां मौजूद हर स्टूडेंट को सुनाई दी और वो देखने लगे कि किसने बोला। अब युक्ति का ध्यान था ही नहीं, सो उसने ये बात नहीं सुनी। यश ने मन में सोचा, प्लीज नीचे देख लो मैम, प्लीज। युक्ति नर्वसनेस में पूरी नंब हो चुकी थी। अब तो कोई उसके सामने जाकर भी उसका नाम बोले तो भी उसे सुनाई नहीं देता। उसका लेक्चर बहुत ही बुरा गया था, इस कारण वो पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी बॉडी और दिमाग साथ नहीं दे रहे थे। यश देखे जा रहा था पर उसकी एक भी बात युक्ति तक नहीं पहुंच रही थी। युक्ति स्टेप्स की ओर बढ़ रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। यश और वेट नहीं कर सकता था, इसलिए अब वो अपनी चेयर पर नहीं बैठ सकता था। वो उठा और उसैन बोल्ट की एनर्जी के साथ भागने लगा। सारे स्टूडेंट्स देखते रह गए। युक्ति बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ रही थी, पर वो अंधी नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो सीढ़ी पर पैर रखने वाली थी, उसने एक स्टूडेंट को अपनी तरफ तेजी से भागते हुए देखा और वो रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यश धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि ये वही रात वाला लड़का है जिसने मुझसे पैसे लिए थे, और धीरे धीरे उसका माइंड रिलैक्स हो रहा था। जैसे यश पास आया वो बोली, तुम तो वही हो ना। यश ने कुछ नहीं कहा और सीढ़ी से वो बुक हटा दी। युक्ति, स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट जिसने बुक वहां छोड़ी थी, कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और एक सेकंड में हॉल में फिर से शांति हो गई थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि युक्ति गिर सकती है, वो भी बुक के कारण, और तो और उसकी हड्डी भी टूट सकती है, और पहले लेक्चर के तुरंत बाद मेडिकल लीव भी लेनी पड़ सकती है। सिर्फ यश को मालूम था कि अभी उसने कितने बड़े हादसे को होने से रोका था। उसने अपना मुंह खोला और खुद से बोला, मैं तो हीरो हूं, मैं किसी भी लड़की को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। अगर बाय चांस युक्ति गिर जाती तो उसे लीव लेनी पड़ती, और इस बार उसे बचाने के मैंने पैसे भी नहीं लिए। फैसला किया, ये शायद तीनों में सबसे कूल था। यश दुनिया का सबसे कूल डूड बन सकता था, इसलिए यश ने शार्क पकड़ने पर टैप किया। सिस्टम कोई शार्क या समुद्र को डिटेक्ट नहीं कर पाया। इस मिशन को शुरू करने में असमर्थ। वो एक बार फिर से शॉक हो गया था। क्या फिर सिस्टम ने इसे क्यों दिखाया? क्या मैं तभी इसे ट्राई कर सकता हूं अगर मैं समुद्र में जाऊं? जबकि यश सोच ही रहा था
सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आया। स्टार्ट करने में असफलता के कारण दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिकली चुना जाएगा। क्लोज कॉम्बैट मिलने के लिए बधाई। और बाकी की दो एबिलिटीज गायब हो गई और मारधार का ऑप्शन एलिमेंट्री क्लोज कॉम्बैट में बदल गया। उसी समय लड़ाई के पैतरे उसके दिमाग में आते चले गए, जिसमें दुश्मन को कोहनी से कैसे स्पिन करना है, अपने प्रतिद्वंदी को कैसे उखाड़ फेंकना है और अपने प्रतिद्वंदी के जोड़ों को कैसे लॉक करना है, ये सब बताया हुआ था। ज्ञान और तकनीक उसके शरीर के साथ जुड़े और उसकी बॉडी का हिस्सा बन गए। वो तुरंत एक एक्सपीरियंस फाइटर बन गया था। नॉट बैड। यश थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा, भले ही वो अभी भी एक शार्क को पकड़ना चाहता था। अपनी एबिलिटी को सेलेक्ट करने के बाद उसने अपनी घड़ी को देखा। दोपहर हो गई थी पर अब भी एक लेक्चर बाकी था और वो हिस्ट्री था। वो सोचने लगा कि सेमेस्टर टेस्ट एक ओपन बुक टेस्ट था, इसलिए उसे रियलिटी में इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ समय के बाद यश ने पॉइंट्स कलेक्ट करने के इरादे से घर को जाने का फैसला कर लिया। उसे जल्द ही कुछ अच्छा करना था और समस्या को पहले हल करना था, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने के लिए अब वक्त कम हो चुका था। इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपना बैग उठाया और बाहर चला गया। जब वो अपने पड़ोस के घर पर था तो गार्ड ने उसे पकड़ लिया और उसे एक तरफ खींच लिया। जब भी कभी वो ये गेट पास किया करता था तब वो हमेशा स्माइल के साथ गार्ड को ग्रीट करता था, इसलिए वे काफी करीब थे। गार्ड ने बूथ के बगल में यश को घसीटा और फुसफुसाया, क्या तूने कल रात को किसी से पंगा लिया था? यश इस बात पर रिएक्ट नहीं कर सका और सिर्फ ये पूछा, क्या क्यों? गार्ड ने ध्यान से चार और देखा और कहा, हाँ, हमारे पड़ोस में रहने वाले छोटे गैंगस्टर है जॉन। मैंने सुना है कि उसे कल किसी ने पीटा था और वो आज उस बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आज मेरे पास आया और तेरे लिए पूछा। मैंने उसे पड़ोस के अंदर अपने दो लोगों को लाते हुए देखा, इसलिए तुम सावधानी बरतो। आगे क्या होता है ये जानने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम पर मेरे साथ। चैप्टर 4, न्यू रैंडम मिशन। गार्ड के एक्सप्लेन करते ही यश समझ गया कि जॉन वही इंसान था जिसे उसने ईंट से मारा था। यश को भी मालूम था कि वो जाना माना गुंडा था उनके एरिया का। वो फेमस इसलिए नहीं था कि वो बहुत खतरनाक गुंडा था या बहुत बड़ा शराबी था, बल्कि वो अपनी वाइफ से डरता था। ये बात पूरे एरिया में फैली हुई थी। वो एक छटा हुआ गैंगस्टर तो था पर साथ में जॉन जोरू का गुलाम भी था। वो अक्सर शराब के नशे में होता और आस पड़ोस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता था, लेकिन सिर्फ एक उसकी पत्नी थी जो उसे कंट्रोल कर सकती थी। वो अर्ली 30s में थी। वो काफी सुंदर और मैच्योर थी लेकिन हमेशा बहुत गुस्से में रहती थी। ऐसी अफवाह थी कि वो जॉन को पीटा भी करती थी। जॉन भले शहर का गुंडा हो पर अपनी बीवी के सामने वो भीगी बिल्ली था। कई बार उसके करीबी लोग उसे कहते थे कि प्यार लोगों को बदल देता है और जॉन मन में कहता, प्यार नहीं खौफ लोगों को बदल देता है। घर पर वो कितना भी डरता क्यों ना हो, बाहर कोई भी उसके साथ पंगे नहीं लेता था। उसके साथ कुछ और लोफर और सड़क छाप गुंडे घूमते थे। इन सबके बावजूद यश के मन को चुल्लू भर भी डर नहीं लगा। वो पहाड़ों से घिरे एक गांव में बड़ा हुआ था, इसलिए उसने उस गरीब इलाके में काफी कुछ देखा था। इसलिए जॉन से उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो अभी शांत था पर उसे अब उन सबसे लड़ना पड़ सकता था। वो बदमाश यश से काफी बड़े थे, कद में भी और उम्र में भी। तब उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, शायद मेरी नई एबिलिटी को यूज करने का वक्त आ गया है। बस आशा है कि वो काम कर जाए, क्योंकि वो एबिलिटी फर्स्ट स्टेज पर ही थी। उसने इस इन्फॉर्मेशन के लिए गार्ड को शुक्रिया कहा और उसकी बात को ध्यान में रखते हुए पड़ोस में चला गया। जैसा कि गार्ड को लग रहा था, यश के अपने कमरे में पहुंचने से पहले ही जॉन उस तक पहुंच गया था। यश ने दूर से देखा कि जॉन रास्ते के बीच में खड़ा था। जॉन के सिर पर पट्टियां थी जिससे वो इजिप्ट की मम्मी की तरह दिख रहा था। उसके मुंह से एक सिगरेट लगी हुई थी और एक मोटा आदमी और एक दुबला पतला आदमी उसके दोनों तरफ खड़े थे। उनकी नजर यश पर पड़ी और जॉन उसकी तरफ बढ़ने लग गया। उसने यश को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ, क्या वो तुम हो जिसने कल रात मेरा रास्ता काटा था? यश ने देखा जॉन बेहद गुस्से में था
और उसकी आंखों में मानो आग लगी हुई थी। जॉन ने मुंह से सिगरेट फेंकी और बोला, मुझसे झूठ मत बोलना, मैं जानता था कि वो तुम ही हो, तुम ही हो। साले उस ईट ने मुझे लगभग मार डाला था। तू किस गैंग से है? कैंपस गैंग, यश ने कहा। मैं ये जानता था, मेरा सोर्स सही था। जॉन ने फिर उसे गुस्से से देखा और उसका चेहरा जोर से दबा दिया। एक स्टूडेंट हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और मुश्किल में पड़ी अपनी हीरोइन को बचा रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। फिर यश के चेहरे पर स्माइल देखकर जॉन ने अपना सिर झुका लिया। उसके गुस्से की आग में कोई भी झुला सकता था, ये एक ऐसा सीन था। लेकिन यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम भाई जॉन, बेशक तुम मुझे तोड़ फोड़ सकते हो, लेकिन वो अपनी एड़ियों पे खड़ा हो गया था। उसने जॉन की आंखों में झांका और उसके मुंह से एक इंसल्ट करने वाली हंसी निकल पड़ी। मैं तुम्हारे खोपड़े को फिर से ईंट से फोड़ दूंगा। जॉन को उस रिप्लाई से धक्का लग गया और वो भड़क गया। वो सोच रहा था कि एक छोटे से पिद्दी से बच्चे की हिम्मत कैसे हुई उसे धमकी देने की। तू मुझे मारेगा, ये कहते हुए जॉन ने यश के फेस पे एक घूंसा मार दिया। यश ने सोचा कि ये मौका अच्छा है। उसने अपने गांव में कलरिया पट्टू सीखी थी, जो एक इंडियन मार्शल आर्ट्स है और आज भी साउथ इंडिया में पॉपुलर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने जॉन पर फोकस किया। यश ने अपने शरीर को एक तरफ करके अपने लेफ्ट हैंड से जॉन की कलाई को पकड़ लिया और इससे पहले जॉन कुछ कर सकता, यश ने उसे दूर उठाकर फेंक दिया। यश ने सोचा कि वो इतना स्ट्रांग तो पहले नहीं था, और फिर उसे ये बात समझ आई कि ये एबिलिटी उसे मैजिक सिस्टम से मिली थी। उसने मन में कहा, ये क्लोज कॉम्बैट वाली ताकत तो बढ़िया है। जॉन के लोगों ने यश को अपने बॉस को फेंकते हुए देख लिया था, इसलिए वे चिल्लाए और सीधा लड़ाई में कूद गए। यश अब साउथ मूवीज के हीरो की तरह उन गुंडों को पीटने लगा। यश ने एक गुंडे को जमीन पर पटक दिया और दूसरे आदमी के पेट पर एक किक मारी, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिर गया। फिर यश सोचने लगा, अगर ये पावर सिर्फ फर्स्ट स्टेज की है तो फाइनल स्टेज में तो मुझे रजनीकांत बना देगी। फिर यश ने आगे बढ़कर जॉन की छाती पर अपना पैर रख दिया। वो दो आदमी उठकर यश के पास वापस आने लगे। तब यश ने कहा, लगता है तुम लोगों का मन नहीं भरा। यश की फाइटिंग और उसके शब्दों ने उन लोगों को डरा दिया। उन लोगों ने लड़ाई को जारी रखने की हिम्मत नहीं की और यश तुरंत समझ गया कि वे सिर्फ कुछ बदमाश हैं जिन्होंने हमेशा सिर्फ कमजोरों को सताया था, लेकिन आज असली मर्द के सामने डर गए। यश ने फिर जॉन का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और बोला, अभी तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे और तुमने कहा था कि तुम मुझे तोड़ना चाहते हो, अब क्या हुआ जॉन? जॉन को लगा जैसे उसकी गर्दन फटी जा रही थी। हालांकि इतने लंबे समय से जॉन ने दर्द सहना सीख लिया था और उसकी आंखें यश को देख रही थी। यश भी सीधा उसकी आंखों में देख रहा था। उसने सोचा, इस जॉन ने कल युक्ति पर हमला किया था और यहां तक कि मुझे मारने की भी कोशिश की, क्या उसे लगता है कि वो ये सब करके बच सकता है? मैं उसे इस तरह जाने नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश का गुस्सा उसकी आंखों से बाहर आने लगा था और उसने जॉन को मारने की योजना बनाई। ठीक उसी समय जब उसके दिमाग में यह थॉट आया, तभी उसने अपने मन में एक आवाज सुनी, नया रैंडम मिशन दिखाई दिया है। यश शॉक में था। इस वक्त एक नया रैंडम मिशन? उसने रैंडम मिशन पर टैप किया और हैरान हो गया। मिशन जॉन को बचाने और उसकी सुरक्षा के लिए था। अब यश को पता नहीं था कि इस पे हंसना है या गुस्सा होना है। सिस्टम उसे ऐसा हीरो बना रहा था जो मुसीबत में विलेन को बचाता हो। इस वक्त उसे एहसास हुआ कि सिस्टम में खुद की कोई समझ नहीं है, ये सिर्फ इसके आसपास के डेंजर को सेंस कर सकता है, और अगर कोई इंसान मुसीबत में हो तो उस व्यक्ति को बचाने का मिशन एक्टिवेट हो जाता था। ये अच्छे और बुरे इंसान में फर्क नहीं समझता था। ये फ्यूचर में एक बड़ी समस्या हो सकती थी। यश को अपनी मेहनत से किसी गुंडे को नहीं बचाना था, लेकिन अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब कंफ्यूजन ये है कि वो ये मिशन एक्सेप्ट करे कि डिनाय करे। उसने जॉन को देखा और फिर अपने गुस्से को पी लिया। उसने सोचा, एक काम करता हूं कि अभी मिशन एक्सेप्ट करके उसे छोड़ देता हूं, फिर बाद में इसे मारने वापस आ जाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो उठा और जॉन को बोला, यू आर लकी। तब जॉन ने भी उसे कहा, यू रास्कल, मैं देख लूंगा तुझे। फिर यश ने उसकी आंखों के पास जाकर बोला, मैं भी, और वो वहां से बिना कुछ सोचे सीधा घर को निकल गया।
आखिर उसके प्रिंसिपल्स में से एक ये भी था कि वो जब कमिटमेंट कर लेता था तो फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। वो जब घर पहुंचा तब उसे एक और मैसेज आया, रैंडम मिशन कम्प्लीटेड, रैंडम पॉइंट्स प्लस वन। फिर यश ने सोचा, मिशन अब कम्प्लीट हो गया, मैं फिर से जाकर उसे खत्म कर सकता हूँ। उसने उसके बगल वाली डेस्क से अपना ईंट और बैग उठाया। वो जल्द ही बाहर निकल गया और वापस उसी जगह चला गया, पर जॉन और उसके आदमी वहां नहीं थे। वो उसे ढूंढने लग गया। उसके पड़ोस की सोसाइटी में जाने से पहले गार्ड को पूछा कि अंकल जॉन कहाँ है, कुछ पता है? ये सवाल सुनते ही गार्ड ने डर के कहा, मुझे जॉन के बारे में नहीं पता, पर मैंने उसके दो गुंडों को इस इलाके से बाहर जाते हुए देखा था, वो लोग दौड़ रहे थे। यश को इसकी ही उम्मीद थी, पर अब वो क्या करे। जॉन कोई हिम्मत वाला तो था नहीं कि वो उसका दूसरी फाइट का इंतजार करे। ये सोचकर उसने वहां से घर पर जाने का फैसला कर लिया और फिर एक बार गार्ड को थैंक यू बोला और वहां से निकल गया। जॉन तो नहीं मिला, पर ऐसे सिचुएशन में रैंडम पॉइंट से उसकी मदद कर सकते थे। उसे उम्मीद थी कि वो उस पॉइंट को किसी यूजफुल काम में लगा सके। वो जॉन को नहीं छोड़ने वाला था। चैप्टर 5, स्पेशल आइटम। वो अब घर पे था और उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी। वो ऐसी चीज ढूंढ रहा था जो कि वो यूज कर सके, पेन या कोई बुक। क्या वो रैंडम पॉइंट स्मार्टफोन में ऐड कर सकता है? थोड़ी देर बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, पर ये कोई परेशानी वाली बात नहीं थी क्योंकि वो रैंडम चीजों में ही ऐड होता था और वो यश के बस से बाहर ही था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो अगर किसी चीज में रैंडम पॉइंट ऐड करे तो वो यूजफुल ही होगा। मे बी इस बार वो अपनी साइकिल को बाइक में बदल दे। वैसे उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी। अच्छा होगा इस पॉइंट से अगर वो आ जाए, पर ये सब तो काल्पनिक था। इसलिए उसने तय किया कि वो अपने पुराने आइडियाज के साथ जाएगा, या तो एक पेन या फिर बैंक कार्ड। उसे पता था कि वो इस पॉइंट को जॉन को पीटने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर उसे बचा के तो रख सकता था। और वैसे भी उसे दो रैंडम पॉइंट्स मिले थे, तो अब वो दो चीजों में ऐड कर सकता था। ये सोचते ही वो अपने बेडरूम में गया। अपना लक यूज करने से पहले उसने हाथ धोना सही समझा। आइकन टैप करने से पहले उसने एक लंबी सांस ली। बाद में एक पॉपअप आया और उस पॉइंट को बैंक कार्ड में जोड़ा गया। बैंक कार्ड प्लस वन, ये चीज सोने में बदल गई है। ये 100% खरा सोना है। आप इसे काटने की कोशिश कर सकते हैं। सोना? ये सुनते ही यश की आंखें और बड़ी हो गई। उसने बैंक कार्ड को उठाया तो वो भारी लगा। उसने ध्यान से देखा कि प्लास्टिक कार्ड सोने के बिस्कुट में बदल गया था। उसने बैंक कार्ड को धीरे से काट कर देखा और उसके दांत उस पर एक निशान छोड़ गए। सोने की इस पहचान के बारे में उसने गांव में देखा था। बैंक कार्ड के साइज और हाइट को बदले बिना सोने के भारी वेट का वजन अभी भी 70 ग्राम से अधिक है। यश ने जल्दी से सोने की कीमत जांच की। प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर ये 1 ग्राम के लिए 30,000 रुपए था। और यहाँ तक कि अगर वो इतनी अधिक कीमत प्राप्त कर सकता था तो वो ये सोना बेचकर 21 लाख रुपए कमा सकता था। अगर फ्यूचर में भाव ऐसे ही बढ़ते रहे तो और वैल्यू मिलने की उम्मीद थी। वो खुशी से पागल हो गया। मैं अमीर हूँ, यस आई एम रिच। ये पहली बार था जब रैंडम पॉइंट ने इतना अच्छा रिटर्न दिया हो और इसने यश के कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत आखिरकार सुधर रही थी। यश अपनी इस स्ट्रीक को जारी रखना चाहता था। वो लकी फील कर रहा था। उसने अपने ड्रॉअर से एक बॉल पेन लिया और उसमें पॉइंट जोड़ा। पेन की चमक बढ़ गई और पॉइंट जुड़ गया। मगर यश ये रिजल्ट देखकर खुश नहीं हुआ क्योंकि पेन की डिजाइन बदल गई थी। इसके चारों ओर सोने के लाइंस बन गए थे। साथ ही ये एक काला स्टील पेन में बदल गया था और ये महंगा लग रहा था। स्टील पेन के बाजू में एक ऑप्शन दिख रहा था जिसमें लिखा था कि पेन ने एक स्पेशल एबिलिटी हासिल की। एक स्पेशल एबिलिटी? यश की खुशी चांद पर थी। क्या उसे जॉन को सबक सिखाने का मौका मिलेगा? फिर यश ने मैजिक पेन के डिटेल्स पढ़े। वहां लिखा था कि किसी भी व्यक्ति के चेहरे के बारे में सोचो और उसका नाम लिखो, तब आप रियल टाइम में उस व्यक् ति का स्थान एक्यूरेटली ढूंढ पाओगे। वहां पेन के यूसेज के बारे में भी लिखा हुआ था कि हर बार जब आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो आपको एक फल जरूर खाना चाहिए। लिमिटेशन, आपके द्वारा लिखा गया व्यक्ति
आपके 20 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। टिप, भोजन करना कोई पाप नहीं है, क्योंकि फल खाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। हालांकि पूरा डिस्क्रिप्शन अजीब और कॉमेडी जैसा लग रहा था, पर यश खुश था। उसने मैजिक सिस्टम से कहा, जनाब आप जॉन को बचा सकते हैं लेकिन छिपा नहीं सकते। रात में जॉन बाहर फिर से नशे में था। यश को उसके गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। नशे में धुत जॉन बोल रहा था, साला वो चूहा, मैं उस कमीने को नहीं भूलूंगा। अगर मैं उसे नहीं तोड़ सकता तो मैं डॉन जॉन नहीं हूँ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। जब वो ये कह रहा था, वहाँ अचानक से सीटी बजी और एक पहचानी हुई ईंट अंधेरे से उड़कर आ रही थी। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, ईंट उसके सिर पर लग गई थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से रोने लगा। वो इस बार जमीन पर नहीं गिरा। फिर उसने देखा कि एक जवान आदमी अंधेरे कोने से बाहर निकल रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और जब उसने उस बंदे का चेहरा देखा तो वो पूरी तरह से लाल हो गया था। तो फिर से यश? वो यश था और वो जो करने आया था वो किए बिना नहीं जा सकता था। उसने जॉन को सीधा किया और उसके बालों को कस के पकड़ लिया। उसने उस आदमी का सर नीचे दबा दिया था। तब उसने अपना घुटना उसके चेहरे पर घुमाया, धड़ाक। जॉन के चेहरे पर घूंसा लग गया था। उसकी नाक टूट गई और नदी की तरह खून बहने लगा। उसे चक्कर आ रहे थे। यश का पलड़ा भारी था, इसलिए उसने उस आदमी को छोड़ने का नहीं सोचा। उसने जॉन को जमीन पर पटक दिया और उस पर मुक्के मारने लगा। उसने पूरे 5 मिनट तक उस आदमी को पीटा। फिर यश को कुछ अजीब लगा। सिस्टम ने उसे इस बार रैंडम मिशन क्यों नहीं दिया? क्या रैंडम मिशन किसी एक व्यक्ति के लिए दिन में सिर्फ एक बार दिखाई दे सकता है? ये सोचकर यश ने खड़े होकर कपड़े के एक टुकड़े से अपने हाथों से खून पोंछ लिया था। उसने अपनी ईंट उठाई और इत्मीनान से कहा, हम इसे कल जारी रखेंगे। उसके बाद वो चला गया। यश की पीठ को देखते हुए जॉन का खूनी चेहरा अजीब लग रहा था, जबकि उसकी आंखें गुस्से से आग में भर रही थी। उसने धीरे से कहा, तू मुझे इस तरह पीट कर नहीं जा सकता, कल देख लूंगा मैं तुझे। दूसरे दिन जब जॉन अपने रेगुलर जिम सेशन से बाहर आया तो यश ने फिर से उस पर हमला बोल दिया। उसने जॉन को एक गली में खींच लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। जॉन अपना धैर्य खोने लगा था। उसने अपने दांतों को जकड़ लिया और अगले दिन यश को तोड़ने की कसम खा ली। दूसरी ओर यश को फिर यह अजीब लगा, रैंडम मिशन कहां है? क्या मैं इसे गलत वे में यूज कर रहा हूं? तीसरे दिन जॉन ने अपने आदमी के साथ यूनिवर्सिटी के एंट्री गेट के बाहर पूरे दिन यश का इंतजार किया, लेकिन वो उसे पकड़ने में असफल रहा। लास्ट में जब वो अपने आदमियों के साथ अलग हो गया तो यश ने उसे पकड़ लिया और पिटाई का तीसरा राउंड शुरू कर दिया था। इसने मुझे फिर पकड़ लिया। यश के हमले से जॉन दब गया था, पर यश एक बार फिर से हैरान हो गया। उसने सोचा, ये साला मिशन क्यों नहीं आ रहा? चौथे दिन जॉन और उसके लोग पूरी सुबह यश के घर के सामने इंतजार करते रहे, पर वे यश को फिर से पकड़ने में नाकाम रहे। इसलिए जॉन उसके बाद अपने 3 दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने चला गया। आखिर में यश चौथे राउंड की पिटाई शुरू करने पहुंच गया और जब वो होटल से बाहर निकले तब वो उन पे टूट पड़ा और उससे पीछे से लात मारी। तीनों दोस्त मदद करना चाहते थे लेकिन यश ने उन सभी को नाली में फेंक दिया। जॉन ने इस बार अपना आपा खो दिया। इसने मुझे कैसे ढूंढा? मैं घर नहीं गया, मैं इस इलाके में नहीं घूमता और मैंने अपना पूरा दिन बाहर बिताया, फिर भी ये मुझे मिल गया। मैं इसे अपने आदमियों के साथ क्यों नहीं पकड़ सकता? कैंपस और अपने घर पर वो नहीं दिखा, लेकिन जब भी मैं अकेला होता हूँ वो बाहर आकर मुझे पीटता है। क्या इस कमीने ने मुझ पर GPS लगाया हुआ है क्या? यश का भी पेशेंस खत्म होने की सीमा पर आ गया था। वो सोच रहा था कि क्या सिस्टम टूट गया है, वो उस मिशन को क्यों नहीं शुरू कर सका। मैजिक पेन यूजफुल था क्योंकि वो ये जानने में मदद करता था कि जॉन कहां छुपा था, लेकिन उसे हर बार फ्रूट का एक टुकड़ा खाना पड़ता था। उसके ऊपर जॉन हमेशा घूमता रहता था। जब भी यश को उसकी जगह का पता चलता वो आदमी पहले से ही उधर से चला जा चुका होता था। इसके अलावा जॉन के साथ आदमी होते थे, इसलिए यश सिर्फ उस वक्त का इंतजार करता था जब उसे लगता कि जॉन अकेला था।
इसलिए यश को सिर्फ एक ही धुलाई करने के लिए अपने साथ बहुत सारे फल ले जाने पड़े। सबसे पहले उसने एक सेब खाने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि वो बहुत बड़ा था और सिर्फ टुकड़ों से काम नहीं चल रहा था, पूरा फल खाना पड़ रहा था और ये उसके पेट को भरे रखता और जेब को खाली। बैंगलोर जैसे शहर में फल बड़े महंगे बिकते थे। फिर वो सुपरमार्केट गया और सबसे सस्ते फ्रूट को ढूंढने की कोशिश की। कुछ समय के बाद उसने सबसे छोटा और सस्ता फल उठाया, बेर। पिछले महीने उसकी सेविंग्स कम चल रही थी और वो अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना चाहता था। पैसा पानी की तरह उसकी अंगुलियों से फिसल रहा था, इसलिए बचाया गया हर एक रुपया जीवन साथी था। जैसा कि उसने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा, उसने लगभग 2,000 रुपए खर्च कर लिए थे और लगभग अपनी जेब खाली कर दी। अगर उसने पॉइंट से सोने का बैंक कार्ड नहीं पाया होता तो वो ये सब नहीं कर पाता। चैप्टर 6, पनिशमेंट। यश ने लगातार 7 दिन तक यह एक्सपेरिमेंट जारी रखा। जॉन ने भी इस सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में उसने हार मान ली। पर जॉन की हार का सिर्फ एक रीजन था, यश ने कभी भी उस पे तब हमला नहीं किया जब उसके साथ उसके आदमी होते थे, बल्कि यश तब सामने आता था जब वो अकेला हो जाता था। जॉन ना उससे जीत सकता था ना छिप सकता था। 1 हफ्ते बाद उसकी हालत धोबी के कुत्ते की जैसी हो गई थी। उसकी बॉडी पे काफी चोटें आ चुकी थी, मानो कि सारे पुर्जे टूट चुके थे। उसकी इमेज अब एक गैंगस्टर से हटकर एक लाचार आदमी की बन चुकी थी। अब उस एरिया के रहने वाले लोग उससे डरते नहीं थे, पर अब वे तरस खाते थे। इस दौरान एक और बात अच्छी हो गई थी, लोग अब यश को एक हीरो के रूप में देखा करते थे, कैंपस का हीरो, बैंगलोर यूनिवर्सिटी का हीरो। ऐसी सिचुएशन में जॉन ने अपनी दुश्मनी को साइड में रखा और यश के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यहां तक कि उसने यश को अपने घर खाने पर बुलाया और उसे 10,000 रुपए भी दिए थे कि वो उसे पीटना बंद करे, और उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। एक और जॉन सुधर रहा था, पर दूसरी ओर यश अपसेट हो गया था। उसके सिस्टम ने इस पूरे वीक में एक भी मिशन ट्रिगर नहीं किया था। उसने सोचा, वैसे भी पैसे मिल गए हैं और जॉन भी सुधर गया है, उसे सिस्टम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यश को मिशन और अपनी इंप्रूवमेंट के अलावा सोचना भी नहीं चाहिए, पर फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए अगर जॉन ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो उसे फिर से सबक सिखा देगा। यश को भी एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिसके सहारे वो अपनी लाइफ चेंज कर सके। एक मैजिक पेन के अलावा उसका डेबिट कार्ड अब सोने में तब्दील हो चुका था, वो उसे बेचकर काफी पैसे कमा सकता था। उसने उस गोल्ड बिस्किट को बेचने के लिए कई जगह ब्रोकर ढूंढे, पर उसे कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं मिला। वो ढूंढने की फिर से कोशिश करता, इससे पहले तो श्रेया का कॉल आ जाता है। पिछले हफ्ते श्रेया ने काफी सारे मैसेजेस किए थे ताकि वो और क्लासेस बंक ना करे, लेकिन यश मजबूर था। उसे पता था कि वहां जॉन उसका वेट करता रहता था, इसलिए वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था। पर इस बार श्रेया ने सीधा फोन पर बात करना ठीक समझा। वेयर आर यू यश? श्रेया, यार वो बहुत बिजी हो गया था, सॉरी, रियली सॉरी। यू कांट मिस टुडेज लेक्चर, अब मैं तेरी अटेंडेंस को और कवर अप नहीं कर सकती। और यश फाइनली यूनिवर्सिटी चला जाता है। पहली क्लास इस वीक की मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी, जो लास्ट वीक यश ने बंद कर दी थी। इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर डॉक्टर रमन श्रीधर थे। स्टूडेंट्स उन्हें कभी बूढ़ा तो कभी खूंसट कहके पीठ पीछे मजाक करते थे। प्रोफेसर श्रीधर की उम्र लगभग 50 की होगी। उनके अंदर पेशेंस भी बूढ़ो जैसा था, पर एक रोमांचक गुत्थी उनके स्टूडेंट्स के लिए ये थी कि उनके सर पर बाल अभी भी काफी घने थे। यश उस दिन टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया था, पर प्रोफेसर श्रीधर वहां पहले से ही थे। जब उन्होंने यश को आते हुए देखा तब उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वही हो ना यश? यश ने बड़े आदर से कहा, जी हाँ। प्रोफेसर श्रीधर ने अपना चश्मा नाक पर लगाया और कहा, मैंने तुम्हें मेरी पिछली वाली क्लास में नहीं देखा था। यश थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने सोचा, क्या उन्होंने अटेंडेंस ली थी? मुझे श्रेया ने कुछ नहीं बताया। वो श्रेया को ढूंढने लग गया। यहां वहां क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हारी शक्ल पहचान ली है। यश की बॉडी पे गूज़बम्स आ गए। एक बूढ़े प्रोफेसर की आंखों में आना अजीब था।
प्रोफेसर श्रीधर ने अपनी बोतल से पानी पिया और कहा, तुम वही हो जो मेरी कुछ क्लासेस में टेक्स्ट बुक तक नहीं लाया करता था। यश को एहसास हुआ कि वो बुक तो साइज में बहुत बढ़ गई थी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया ताकि कोई एक्सक्यूज मिल सके। प्रोफेसर, आई कांट ब्रिंग इट हियर। ये बात प्रोफेसर को ऑब्वियसली नहीं पसंद आई। हाउ कैन दिस हैपन? क्या तुम्हारी बुक उड़ गई या उसके पैर रुक गए और वो भाग गई? तुम ऐसे कैसे बुक नहीं ला सकते हो? यश ने तब सोचा कि वैसे भी प्रोफेसर ने इसकी बात नहीं मानी तो सच ही बोल देता हूं। सर, मेरी बुक साइज में बढ़ चुकी है, मेरी जितनी लंबी और 3 फीट चौड़ी हो गई है बुक। उसने अपने दोनों हाथ भी फैलाए थे ताकि वो इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ये सुनते ही आगे की बेंचेस पर बैठे हुए लोग हंसने लगे और सबने सोचा कि कितना बेवकूफी भरा एक्सक्यूज है ये। ओह, इज दैट सो यश? मुझे नहीं पता था हमारी यूनिवर्सिटी जादू भी सिखाती है। फिर उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा और यश से कहा, ठीक है, दिस टाइम आई एम लीविंग यू, मेक श्योर यू कंप्लीट लास्ट लेक्चर्स नोट्स एंड गिव इट टू मी टुमारो। ओके। यश थोड़ा चिढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो कॉलेज में था और अब कौन नोट्स बनाता है, वो भी ओपन बुक टेस्ट के लिए। ओके बोलने की जरूरत नहीं है, याद से कल मुझे अपनी नोटबुक दिखाने आ जाना और अगली बार से टेक्स्ट बुक भी लेके आना। इसके बाद प्रोफेसर श्रीधर ने अपनी नोटिस उठाई और क्लास की ओर देखकर कहा, क्लास स्टार्ट्स नाउ। यश फर्स्ट रो की खाली सीट पर जाके बैठ गया। ये तो मैंने नहीं सोचा था, क्या इसे कर्मा कहते हैं? क्या ये जॉन को पीटने का नतीजा है? क्लास के दौरान यश ने अपने क्लासमेट से नोट्स मांगे पर वो इसमें भी नाकामयाब हुआ, किसी ने भी नहीं लिखे थे। आखिर में जब क्लास खत्म हुई तब यश को एक ए ग्रेडेड स्टूडेंट की हेल्प मिली। वो स्टूडेंट कंफ्यूज लग रहा था, शायद वो हर होशियार स्टूडेंट की तरह ये सोच रहा होगा कि उसे वो नोटबुक देनी चाहिए कि नहीं, लेकिन उसने दे दी। फिर यश ने नोट्स लिए और वहां से चल दिया। घर जाते जाते वो अपनी बायर्स की रिसर्च के बारे में सोच रहा था जो उसने पिछले कुछ दिनों में की थी। सबसे आसान तरीका था बड़े ज्वेलर चेन्स में बेचना, जैसे कि तनिष्क, कल्याण, मालाबार ज्वेलर्स। लेकिन फेमस ज्वेलर्स भी सिर्फ उनका बेचा हुआ सोना ही बायबैक करेंगे और उन्हें रिसिप्ट भी चाहिए होगी प्रूफ के तौर पे। यश अपना सोना यहां तो नहीं बेच सकता था। जिन्हें कोई प्रूफ नहीं चाहिए होगा वो लोकल गोल्डस्मिथ्स, छोटी ज्वेलरी शॉप्स या तो इंटरनेट बायर्स थे। फिर भी और रिसर्च करने के बाद मोस्टली सारे इंटरनेट बायर्स स्कैम निकले और यश शायद अपनी सेफ्टी और गोल्ड दोनों को खो बैठता। और जहां तक कि लोकल शॉप्स की बात करें तो काफी सारे हिडन कॉस्ट हो सकते हैं। अगर कोई भी ट्रस्ट वर्दी बायर नहीं मिला तो वो उसकी कमाई को खा सकता था। वो उस सिटी में नया था, इस कारण उसके पास कोई भी ट्रस्ट वर्दी सोर्स भी नहीं था, इसलिए वो इस सिचुएशन में फंस चुका था। और जब वो ये सब सोच रहा था तब उसके सामने एक जाना पहचाना शख्स आ गया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वो श्रेया थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। वो तो कैंपस हॉस्टल में ही रहती थी ना, वो बाहर क्यों है? जब वो ये सब सोच रहा था वो एक शॉप में घुस रही थी। उसने वहां बोर्ड देखा, फाइन लिविंग स्टोर। फाइन लिविंग स्टोर? श्रेया को यहां तक आने की जरूरत क्या पड़ी? कैंपस के आसपास भी 2-3 दुकानें तो थी। यश का अगला कदम क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनते रहिए अपग्रेड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 7 सीक्रेट। यश को नहीं पता था श्रेया यहां क्या कर रही है, ना उसका कोई इरादा था जानने का। वैसे भी सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं। उसने हमेशा एक बात मानी है कि जितनी खूबसूरत लड़की हो उतनी खतरनाक भी हो सकती है। जहां तक कि श्रेया की बात है वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, इसलिए बेहतर होगा कि वो उससे दूर ही रहे। ये सोचकर बैग अपने शोल्डर्स पे लिए यश ने वो स्टोर पार कर लिया और अपने एरिया के अंदर जाने लगा। पर जैसे ही वो अपनी गली की ओर मुड़ा उसे एक बीप की आवाज सुनाई दी। वो एक नया रैंडम मिशन था। हाँ, नया मिशन? कहां से? यश वहीं रुक गया और उसने मिशन की स्क्रीन पर टैप किया जो सिर्फ वही देख सकता था। मिशन में लिखा था, हेल्प श्रेया, उसकी प्रॉब्लम्स कम करो। श्रेया? प्रॉब्लम? श्रेया जो कि यूनिवर्सिटी की सबसे सुलझी हुई लड़की थी, उसे भी कुछ परेशानी है। ऐसा लगता है सबका कोई ना कोई साइड होता है जो कि वो सबसे छुपा के रखता है।
ये बात सोचने के बाद वो घूमा और उस स्टोर की तरफ देखने लगा। जल्दी उसने वो मिशन एक्सेप्ट कर लिया था। मिशन एक्सेप्ट करने के बाद वो उस दुकान की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने शॉप के अंदर एंट्री ली, यश ने सुना कि वहां का एक स्टाफ उससे बदतमीजी से पेश आ रहा था। मैडम, क्या आप मुझे बुद्धू समझते हो? आप बहुत टाइम ले रहे हो और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों हर बार आप चीजों के पैसे देने आते हो, पर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो खड़े खड़े। आपके पीछे भी लोग हैं काउंटर पे। श्रेया का चेहरा लाल हो चुका था और पूरी तरह नर्वस हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर लाइन को देखा और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रिसीट को देखा। वो निराश हो चुकी थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी। 10.70 प्लस 60.50 प्लस 100.30। यश ये सब देखकर हैरान हो गया। क्या श्रेया को काउंट करना नहीं आता? थोड़ी देर बाद पसीने की लड़ियां उसके माथे से बहने लगी। वो बड़बड़ा रही थी। नहीं नहीं, ये सही नहीं है, अमाउंट गलत है। रुको, मैं अपने फोन पर कैलकुलेट करती हूँ। उसने नर्वसली वहां काउंटर पर खड़े स्टाफ को कहा और जल्दी से अपना स्मार्टफोन निकाला। उस स्टाफ ने गहरी सांस ली। मैम, क्या आपको हिसाब करना आता है? ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, फिर भी आपको फोन पे कैलकुलेट करना पड़ रहा है। और वैसे भी ये रिसीट मशीन से निकली है, ये गलत कैसे हो सकती है? जब स्टाफ ने ऐसा कहा तो श्रेया काफी उदास हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्टाफ को देखकर बोली, ओह ऑफ कोर्स, मुझे पता है कि कैसे काउंट करते हैं। मुझे मैथ में 100 मार्क्स मिले थे 12th स्टैंडर्ड में। ये पहली बार था कि यश ने श्रेया को इतने गुस्से में देखा था, क्योंकि वो जनरली शांत स्वभाव की थी। श्रेया के इस गुस्से से स्टाफ ने घबरा के अपना मुंह बंद कर लिया और माफी मांग ली। ठीक है, समझ गया मैडम, मैं शांत हो जाता हूँ, सॉरी। यश का कोई इरादा नहीं था कि वो इस सबको और बढ़ने दे। श्रेया के पीछे अब लंबी लाइन बन चुकी थी और लोगों का सब्र खत्म होता जा रहा था। यश ने श्रेया के हाथ से रिसीट ले ली। उसने तुरंत कैलकुलेट किया। यह अमाउंट सही है, क्या तुमने ये सब खरीदा है? उसने फिर उससे पूछा। श्रेया हैरान हो गई थी। उसने यश को इस स्टोर में एक्सपेक्ट नहीं किया था। यश ने अपना फोन निकाला और पेटीएम पर टैप किया। आई एम सॉरी, मेरी दोस्त थोड़े दिनों से तंगी में चल रही है, मैं पे कर देता हूँ। स्टाफ ने बिना कोई समय बर्बाद करे QR कोड यश को स्कैन करने दे दिया। हो गया? यश ने शॉपिंग बैग्स उठाए, श्रेया का हाथ पकड़ा और दुकान से वो दोनों बाहर आ गए। श्रेया ने एक भी शब्द नहीं बोला था। उसके चेहरे पर घबराहट थी और ग्लो भी गायब हो गया था। यश उसे अपने एरिया के एक पार्क में ले गया और दोनों बेंच पर बैठ गए। यश ने बैग्स नीचे रखे। श्रेया ने कहा, तुम? श्रेया ने अपना मुंह लटका लिया था और कोई जवाब नहीं दिया। यश समझ गया कि यह सही समय नहीं है बात करने के लिए और शांत हो गया। एक दो मिनट तक वो कुछ भी नहीं बोले। फिर श्रेया ने बहुत ही हल्की आवाज में कहा, थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी काफी मदद की है, लेकिन तुम मुझे पे कर सकती हो, मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा। श्रेया ने उसे सरप्राइज के साथ देखा। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम बड़े कंजूस हो। ऑफ कोर्स, एक एक रुपया मेरा और मेरे पेरेंट्स की पसीने की कमाई है। आई मस्ट सेव मनी, जितना हो सके उतना, यश ने स्माइल दिए कहने के बाद। यश ने सामने एक पेड़ पर देखा। वॉट आर यू लुकिंग एट? श्रेया ने उत्सुकता के साथ पूछा। मैं पेड़ पे पैसे ढूंढ रहा हूं, श्रेया बोली। वॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और यश को बताने लगी, एक्चुअली बचपन से ही मुझे ये छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं मन में काउंट नहीं कर पाती, और ना बोल के, मैं तो 5 + 5 भी काउंट नहीं कर पाती ठीक से। हमने इस प्रॉब्लम के बारे में जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे अनयूजुअल काइंड ऑफ कैलकुलेशन डिसऑर्डर हो। मैं मेरी क्लास में एक जोक बन गई थी और तब से मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, और ये एक सीक्रेट बन गया। जब मैं बड़ी हुई शायद मेरी कंडीशन सुधरने लग गई थी, या फिर मैं फैमिलियर हो गई थी इस प्रॉब्लम से। सो नाउ आई कुड ऐड फ्रॉम 0 to 10, पर उसके आगे नहीं। फिर मुझे पेन और पेपर चाहिए रहता है। 5 + 3 कितना होता है? यश ने पूछा। 8। श्रेया ने जवाब तो दिया, लेकिन वो 2 सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गई थी जवाब देने से पहले। यश ने अपनी छाती पर हाथ रखा, अपने पांव आगे की ओर किए और पीठ को बेंच के सपोर्ट पर टिका दिया। थैंक गॉड, हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज एन इडियट। श्रेया ने हल्के से उसे पंच मारा। श्रेया ने बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी सॉफ्ट टोन में कहा, इसीलिए मैं इतनी दूर आई थी खरीदारी करने, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम ऐसे इधर मिल जाओगे।
अरे मैं यहीं पास में रहता हूँ, उसने कहा। श्रेया अब रिलैक्स होकर बैठ गई थी। उसके पतले पांव अब स्ट्रेट थे और काफी खूबसूरत। श्रेया के पास वैसे ही लेग्स थे जैसे कि हर लड़की को चाहिए रहते थे। इस ट्रॉमा के कारण मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती जब दूसरे लोग मेरी मैथ का मजाक बनाए। जब भी मैं सुनती हूँ कि कोई मेरी काउंटिंग का मजाक बना रहा है, आई इजिली गेट एंग्री। इसीलिए मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मैथ, और मुझे सिर्फ 60 मार्क्स आए थे 100 में से। मैंने तो दुकानदार को झूठ बोला था। यश ने अपनी नजरें उसकी लेग से हटाई। ओह, मुझे लगा तुमने चीटिंग की होगी। श्रेया ने उसे सटीकता के साथ देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्यों हर बार मुझे छेड़ते रहते हो? वो दोनों जोर से हंसने लगे। जब मैंने यहां सब्जेक्ट चूज करे तो जानबूझ के फ्रेंच लैंग्वेज चूज कर लिया ताकि मैथ मेरे नजदीक भी ना सके। मैंने भी, श्रेया ने पूछा। तुम्हें भी नहीं पसंद? यश ने अपना सर हिलाया। नहीं, बट आई हेट इंग्लिश। बट मुझे यहां आकर पता चला कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जाने दो, छोड़ो, हम जैसे लोग कहां जाएंगे अब। श्रेया जोरों से हंस पड़ी। यश के जोक्स के कारण उसे अच्छा लग रहा था। उनकी बातें थोड़ी लंबी चली। यश ने प्रॉमिस किया कि वो ये सीक्रेट ही रखेगा। श्रेया अब कैंपस के लिए निकल गई थी। यश को बहुत अजीब लगा जब वो जा रही थी, और उसने खुद से कहा, क्या यार, ये लड़की ने मुझे पैसे वापस नहीं किए। यश का अगला कदम क्या होने वाला है, ये जानने के लिए सुनते रहिए अपग्रेड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 8, गोल्ड कार्ड। एक लाल लिफाफे में 10,000 रुपए थे जो कि उसे जॉन ने दिए थे। इसके अलावा उसके पास अब सिर्फ एक गोल्ड बिस्किट था। इसके ऊपर से उसे अभी भी एक अच्छा बायर ढूंढना था, नहीं तो जल्द पैसे नहीं बचेंगे। शुक्र है कि श्रेया ने उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे घर पहुंचने से पहले। साथ में व्हाट्सएप पर वॉइस नोट्स भेजे थे। हाय देव, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स की तुम चिंता मत करना। मैंने कल ही सर से बात करके थोड़े दिन की मोहलत मांग ली थी। अब तुम्हें उसे नेक्स्ट मंडे को सबमिट करना है। मुझे लगा मैं रात को बता दूंगी, पर फिर सोचा अगर भूल गई तो। फिर भी ट्राई टू अटेंड क्लासेस फ्रॉम नाउ ऑन। अगर मैं अटेंडेंस संभाल भी लेती हूँ तो भी कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने तुम्हें नोटिस करना शुरू कर दिया है, और वो नई इंग्लिश टीचर ने तो तुम्हारे बारे में काफी बार पूछा था। यश को यह सुनकर अच्छा लगा। उसे मान लेना चाहिए कि वो बहुत केयरिंग है, लेकिन युक्ति ने उसके बारे में पूछताछ की। हो सकता है उस रात और लेक्चर वाले दिन के बाद उन्हें यश याद रह गया हो। यश सोचने लगा कि अब ये युक्ति के साथ क्या करे। जब वो ये सोच रहा था, उसने श्रेया को मैसेज करा। थैंक यू, श्रेया ने तुरंत रिप्लाई किया। आई शुड बी थैंकिंग यू। और तभी उसे उसके मैजिक सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। मिशन कंप्लीटेड, अपग्रेडेड, पॉइंट प्लस वन। यश खुश हो गया। शायद आज लक मेरे साथ है। जैसे ही वो खुश हो रहा था, एक थॉट उसके दिमाग में आया। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो श्रेया की फैमिली शायद गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस करती है। शायद उसके जान पहचान में कोई हो। यह सोचकर उसने श्रेया को मैसेज किया। ओ यस, क्या तुम या तुम्हारे फ्रेंड्स के पहचान में कोई ट्रस्टवर्दी गोल्ड बायर या ज्वेलर होगा? मुझे एक ज्वेलरी बेचनी है, श्रेया का रिप्लाई आया। मुझे तो नहीं पता, मेरे पापा डायमंड बिजनेस में हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड के पहचान में कोई होगा। दो मिनट। यश को लगा था श्रेया उससे कुछ पूछेगी, लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं पूछा और उसके लिए तुरंत एक रिलायबल सोर्स ढूंढ दिया। जब तक यश अपने कमरे में पहुंचा, उसका रिप्लाई आया। गोल्ड माइंस, शॉप नंबर 6, गाना हाइट्स, मेन रोड, विजयनगर, बैंगलोर। ये मेरे फ्रेंड की शॉप है, तुम वहां जाकर अजय से मिलना। वो उस शॉप का ओनर है, और उससे कहना कि तुम्हें प्रीति ने भेजा है। यश ने उसे रिप्लाई किया, थैंक्स, और अपना बैग नीचे रखा। फिर गूगल पर उसने शॉप के बारे में जानने की कोशिश की। यश एक क्यूरियस इंसान है। चाहे ये श्रेया के कनेक्शन की शॉप क्यों ना हो, उनके बीच में इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं थी। अच्छा यही होगा कि वो खुद से सर्च कर ले। उसने ना सिर्फ गूगल पर सर्च किया, मगर और दो सर्च इंजन भी इस्तेमाल किए। तीनों पर रिव्यूज और रेटिंग्स अच्छी थी, कुछ क्रिटिसिज्म को छोड़कर जो कि काफी छोटे थे। उसे फाइनली लगा कि ये बेटर ऑप्शन है।
उसने मोबाइल पे डिस्टेंस देखा कि कैसे जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, और फोन नंबर भी चेक किया ताकि वो फोन करके कंफर्म कर सके कि ये शॉप ओपन है। उसे टाइम वेस्ट नहीं करना था। वो शॉप उसके घर से हाफ एन आवर की दूरी पर थी। उसने देखा अगर वो मेट्रो से जाएगा तो टाइम से पहुंच जाएगा। उसने अपना बैग उठाया और शॉप के लिए निकल गया। 30 मिनट बाद वो गोल्ड माइन शॉप के बाहर खड़ा था। ये शॉप विजयनगर के बीचों बीच थी। ये एक अर्बन एरिया था। विजयनगर का नाम विजयनगर एम्पायर से चला आ रहा है। यहाँ की पहचान स्वयं राजा कृष्णदेव राय थे। अब तो ये एरिया काफी मॉडर्न हो चुका था। इसके बावजूद ज्यादातर ज्वेलर्स यही बिजनेस करते थे। आजकल ये जगह ज्वेलर्स हब के नाम से भी जानी जाती है। तब यश ने एक और बात सोची, अजय काफी पैसे वाला होगा। फिर भी जब उसने गोल्ड माइंस को देखा तो उसकी डिजाइन काफी चीप लग रही थी। लगता है कोई नया नया अमीर बना होगा। पूरी शॉप मानो ग्लिटर से सजाई हो, वो भी सस्ते वालों से। डिस्प्ले रैक्स और साइन भी गोल्ड के थे। पहली बार देखने पर तो कोई भी अंधा हो सकता था। यश को भी अमीर होना था, अगर एक रात में नहीं तो दो रातों में, दो में भी नहीं तो और 15-20 दिन मान लो। नसीब से वो अमीर नहीं था, इसीलिए ही तो वो सोना बेचने यहां तक आया था। जब उसने शॉप में एंट्री ली तब भी उसे सिवाय गोल्ड के कुछ नहीं दिखा। फ्लोरिंग, रैक्स, टेबल, चेयर्स और तो और काउंटर भी गोल्ड प्लेटेड था। उसने सोचा, रिव्यूज में तो बोला था कि द शॉप इज द रियल गोल्ड माइन, बट मुझे कुछ और ही लग रहा था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इंटीरियर डिजाइनर बहुत हिम्मत वाला था कि उसने सब कुछ एक ही टोन में रखा। तभी एक सेल्स गर्ल यश के पास आई और बोली, गुड इवनिंग सर, कैसे मदद कर सकती हूँ? यश ने एक बार उस गोल्डन शॉप पे नजर घुमाई और कहा, मुझे यहाँ के ओनर से मिलना है, मिस्टर अजय, मेरे एक फ्रेंड ने भेजा है। बिना कोई शक के सेल्स गर्ल शॉक में चली गई थी। उसने यश को ऊपर से नीचे देखा, बिना ओनर से बात किए और पूछे बगैर वो उसे अपने साथ ले गई। यश ने सोचा था कि वो कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब देखकर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। सेल्स गर्ल उसे रास्ता दिखा रही थी और उसने एक गेट की तरफ इशारा किया जो कि ऑब्वियसली गोल्डन था। उस पे कमल बना हुआ था, शायद लक्ष्मी जी का सिंबल था इसलिए। यश का अंदाजा सही था। इससे ये भी पता चलता है कि ओनर भगवान को बहुत मानता भी है। जब दरवाजा खुला तब यश ने रियलाइज किया कि उसने ओनर के भगवान की भक्ति को कम आंक लिया था। कुबेर जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां दरवाजे के सामने ही थी। हाथी और कछुए के शो पीसेस भी थे। यश ने खुद ही अंदाजा लगा लिया था कि ये सब बढ़ती हुई इनकम, अच्छा फॉर्च्यून, शांति और सुरक्षा के लिए था। वहां एक मोटा आदमी था जो कि वेल्दी दिख रहा था। वो भगवान की आरती करके यूं मूर्तियों के सामने अगरबत्ती रख रहा था। उन्होंने धोती और एक बनियान पहन रखी थी। जब यश और सेल्स गर्ल भीतर गए तो वो आदमी मुड़ के उनके सामने हंसते हुए खड़ा हो गया। उसके गले में सोने की चैन, हाथ में सोने के कड़े और अंगूठियां थी, यहां तक कि उसका एक दांत भी सोने का था। यश का दिल फूले नहीं समा रहा था। Baby, you give me ice and fire. You give
यश ने पहले से जानकारी ले ली थी, इसलिए वो कोई ट्रस्टवर्दी ज्वेलर को ढूंढ रहा था। कई छोटे ज्वेलर्स तो कस्टमर के सामने ही सोना मेल्ट कर देते थे और फिर उसका वेट चेक करवाते हैं ताकि वजन कम दिखे। ये सब जानते हुए भी अगर यश गोल्डी का प्रस्ताव ना मानता तो वो बेवकूफी होती। यश ने बात मान ली। गोल्डी की स्माइल फिर से आ गई थी और फिर से एक बार यश को ब्लाइंड कर दिया था। उन दोनों ने एक स्केल पे वेट चेक किया। उस स्केल पे 73 ग्राम दिखाई दिया, जिसका टोटल वैल्यू 39 लाख था। गोल्डी ने यश को इनवॉइस दी और कहा, कैश काउंटर से ले लो। डील पूरी होने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ नंबर्स एक्सचेंज करे और गोल्डी ने उसे रूम के बाहर तक एस्कॉर्ट किया। रूम के बाहर उसका मोटा हाथ यश के शोल्डर पे था। हमें साथ में कुछ बिजनेस का सोचना चाहिए, तुम बहुत जल्द सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ कि हम कभी फ्यूचर में साथ में काम करें। यश ने अपना सिर हिलाया और काउंटर पर चला गया। जैसे ही उस सेल्स गर्ल ने यह सुना कि पैसे देने हैं, वो सरप्राइज हो गई। उसने कहा, क्या उस इडियट ने पैसे रखने के बजाय देने की बात कही? यश ने इससे पहले भी नोट किया था कि उसका अपने बॉस की ओर एटीट्यूड कुछ अलग है। अब यश के पास चांस था कि वो उससे बात कर सके। उसने सोचा, थोड़ा मीठा होके बोलता हूँ। मैडम, मुझे आपकी खातिरदारी अच्छी लगी, पर ये आपका बॉस गोलमाल के वसूली भाई जैसा क्यों दिखता है? तब वो बोली, एक्चुअली हमारे बॉस को रोजाना के काम की कुछ पड़ी नहीं है। वो हमेशा उस रूम में रहते हैं और सिर्फ एक चीज करते रहते हैं। चीटिंग? यश ने पूछा। उस सेल्स गर्ल ने अपनी उंगलियों पे गिनना शुरू किया। फेट, फ्यूचर, मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून, करियर, मैरिज, वो ऑलमोस्ट सब चीज की भविष्यवाणी कर सकता है। यश को एक बार और झटका लग गया था। मतलब वो फॉर्चून टेलर है, बाबा टाइप्स? वो दोनों बात कर ही रहे थे, तब एक लंबी सी औरत जीन्स कुर्ता पहने दुकान के अंदर घुस गई। गोल्डी बाबा, प्लीज मुझे बताइए, मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मेरी बेटी गायब हो गई है। सेल्स गर्ल ने उसकी तरफ उंगली की और बोला कि ये पक्की वाली भक्त है बाबा की। यश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। गोल्डी की ड्रेसिंग सेंस से तो वो कोई ठग लग रहा था। वैसे भी उसे अब इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको तो सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने वो रिसिप्ट सेल्स गर्ल को दी और पूरे 39 लाख वहां से ले लिए। यश ने तो वैसे अपने गरीबी वाले आंसर्स रट लिए थे, पर किसी ने पूछा नहीं था। अब उसके पास 39 लाख और 10,000 रुपए थे। उसकी फैमिली ने आज तक इतना पैसा एक साथ नहीं देखा होगा।
यश ने अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन देने का सोचा था। वो एक घर खरीदना चाहते थे और अब उनका सपना पूरा हो सकता था। ये सोचकर वो वहां से निकल गया। उसने उबर बुक कर ली थी और अब वो आराम से घर को जा रहा था। घर जाकर उसने पिज्जा और सूप का ऑर्डर दिया। डिनर के बाद अब उसने म्यूजिक चलाया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसे 40 लाख मिल गए और अब वो लास्ट कमाया हुआ अपग्रेड पॉइंट किसी अच्छी चीज पर लगाना चाहता था। और फिर उसने ईंट को देखा। चैप्टर 10, किस्मत की ईंट। यश को ये ईंट तब मिली थी जब वो इस घर में पहली बार रहने आया था। जैसे ही उसकी नजर इस पर पड़ी थी, उसे ऐसा लगा कि कुछ तो कनेक्शन है इस ईंट के साथ, इसलिए उसने अपने कमरे के बाहर से उठा ली थी। तब से इस ईंट ने इसका साथ देना नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी मिशन हो, लड़कियों को बचाना हो या गुंडों को सबक सिखाना। ये एक योद्धा की तलवार जैसे थी। रियलिटी में तो ये एक नॉर्मल ईंट थी। फिर यश ने सोचा, क्यों ना इसे अपग्रेड किया जाए, जैसा कि उसने एक पेड़ की टहनी के साथ किया था। ये सोचकर उसने वो रैंडम पॉइंट ईंट में ऐड करने का सोचा। उसने हाथ धोने का रिचुअल इस बार भी जारी रखा। उसने मैजिक सिस्टम ओपन किया और वहां एक प्लस आइकन ऊपर की ओर राइट हैंड साइड में शो हुआ। जय श्री गणेश करके उसने उस पर टैप किया। ईंट चमकी और वो अपग्रेड हो गई, लेकिन ईंट ने अपना रूप नहीं बदला था। यश को थोड़ा अजीब लगा। क्या पॉइंट ऐड नहीं हो रहा है क्या? अगर हुआ होता तो या तो कुछ चेंज होता या फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाता। वो ये सोच रहा था कि तभी वहां फोन पे एक विंडो खुल गई। क्या आप इसकी स्पेशल एबिलिटी ट्राई करना चाहेंगे? एक खास एबिलिटी? फिर से? उत्सुकता में उसने यस पर टैप किया। तुरंत ही डिस्क्रिप्शन आ गया। लकी डिसफिगरिंग ब्रेक एबिलिटी, ईंट से अपने माथे पर मारो, जितना जोर से मारोगे उतना लकी बनते जाओगे। लिमिट, 1 महीने में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो और लक सिर्फ 30 मिनट तक रहेगा। रिमार्क, ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर नहीं माथा फोड़ कर देगा। इसकी माँ का, ये क्या मुझे मारने की साजिश कर रहा है? फिर उसने सोचा, ये एक लास्ट रिजॉर्ट के जैसे काम आएगा। उसने ईंट को दूर संभाल के रख दिया और उसने ठाना कि वो तभी इसे बाहर निकालेगा जब उसे सच में जरूरत पड़े। और तो और, बार बार सर फोड़ के चेहरा थोड़ी खराब करना है। ईंट रखने के बाद उसने टीटू को देखा, जो अब भी म्यूजिक के बीट्स में झूम रहा था। तब यश बोला, अबे साले फिर तू रूम में मिट्टी फैला रहा है। यश ने अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा चीजों में पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, पर सिर्फ एक टीटू था जिसे लाइफ मिली थी। टीटू तो कुदरत का एक करिश्मा था। यश अब नहाने की सोच रहा था, पर तभी उसे अपना एक बैग नीचे पड़ा हुआ दिखा। ओह शिट, मुझे लेक्चर नोट्स कॉपी करने हैं और मैं तो भूल ही गया था पैसों का। क्या करूं अब? वैसे तो यहां सेफ रहेंगे, पर जल्दी इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो श्रेया ने 1 वीक मांग लिया था, पर फिर भी उसे कंप्लीट तो करना ही था। लेकिन उसे नींद आने लगी। मैं कल से स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट मंडे तक तो हो भी जाएगा ना? यार फिर भी मुझे ही काम करना पड़ेगा, पर मुझे बिल्कुल नहीं करना। काश कोई हेल्प करने के लिए। उसकी नजर अचानक से नाचते हुए टीटू पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या टीटू मेरी मदद कर पाएगा? यश ने नोट्स उठाए और टीटू के आगे रख दिए और पूछा, क्या तुम इसे कॉपी कर पाओगे? नाचती हुई टहनी अब रुक चुकी थी और अब वो सर खोजा रही थी। टीटू, टीटू? लगता था वो यश की बोली को समझ नहीं पा रहा था। इस बार यश ने रिश्वत देने की सोच ली। अगर तुमने ये कॉपी कर लिया तो मैं तुम्हें एक दूध का पैकेट दूंगा। टीटू, टीटू ने तुरंत खुश होकर थम्स अप दिखा दिया। वाह बेटा, मेरे साथ चालबाजी कर रहा था। ये डील फिक्स हो चुकी थी और हिसाब से उसे दूध देना था। उसने अपने छोटे फ्रिज से दूध की थैली निकाली और टीटू के पॉट में डाल दी। टीटू, टीटू। वो दूध पीते हुए खुशी से हंस रहा था। यश को समझ आया कि टीटू को दूध से नहाना पसंद है। जब टीटू का नहाना बंद हुआ तो उसने अपने निकले हुए जड़ों से पैन को पकड़ा और वो नोट्स खोले। नोटबुक में टीटू
यश की हैंडराइटिंग में लिख रहा था। यश ने तब हैरान होकर कहा, यह शैतान का बच्चा कितना कुछ छुपाए बैठा था। आज काफी भागदौड़ हो गई थी। यश अब बेड पे जाके सोने लगा। दूसरी सुबह जब वह उठा, उसने नोटिस किया, एक लाइन से नोट्स पाइल्ड अप थे। टीटू नोट्स के बाजू में गहरी नींद में सो रहा था। यश को पता था, जब भी टीटू सोता था तब उसके मुंह से बबल्स निकलते थे और साथ में वो अपना नाम बोलता रहता था, टीटू, टीटू। दूध ने काम कर लिया था। टीटू की मेहनत देखकर उसने सोचा, अब मंडे तक वेट नहीं करना होगा, आज ही नोट्स दिखा देता हूं। श्रेया और टीटू ने मेरी बहुत मदद की है। उसने ब्रेड टोस्ट बनाया और खाते खाते टाइम टेबल चेक कर रहा था और उसने देखा कि पहला लेक्चर युक्ति का है, जो यश के बारे में पूछ रही थी। अच्छा होगा कि मैं उसका लेक्चर अटेंड कर लूं। हालांकि युक्ति की क्लास अब 10 बजे की है और अभी एक घंटा था। वो लेक्चर अटेंड करने से पहले प्रोफेसर श्रीधर को मिल सकता है। उसने बैग से पैसे निकाले और बेड के नीचे रख दिए और बैग में वो नोट्स डाल के कैंपस को जाने लगा। प्रोफेसर यूजुअली फैकल्टी रूम में मिल जाते हैं, पर वो बाकी प्रोफेसर की तरह नहीं थे। अगर उनका कोई लेक्चर नहीं भी होता है तो भी वो कैंपस में सुबह सुबह चले जाया करते थे और क्वालिटी टाइम अपने ऑफिस में पास करते थे। यूनिवर्सिटी में रूमर थी कि उनकी मैरिज ठीक नहीं चल रही थी। उनके और उनकी पत्नी के बीच तनाव बना रहता था और फाइट्स भी ज्यादा हुआ करती थी। इस बात में थोड़ी सच्चाई भी थी, क्योंकि कुछ बच्चों ने उनको उनके घर के बाहर सिगरेट पीते देखा था और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अलग होते थे और पूरी सिगरेट पी के ही घर में घुसा करते थे। प्रोफेसर श्रीधर के ऑफिस के बाहर खड़े रहकर उसने दरवाजा खटखटाया। तब अंदर से एक फर्म आवाज आई, अंदर आ जाओ। यश ने दरवाजा खोला और प्रोफेसर को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा। उनकी आंखों पर मोटा सा चश्मा था। यश ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने अपने ग्लासेस नीचे करे और यश की तरफ देखा और उन्होंने उसे झट से पहचान लिया और कहा, अच्छा तुम, अंदर आ जाओ यश। यश ने डेस्क पे बैग रखा और अपने नोट्स निकालने के लिए चैन खोली, पर प्रोफेसर ने उसे इशारा किया और कहा, मुझे पता चला है कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। यश को कुछ समझ नहीं आया। क्या कहा सर? यश और प्रोफेसर श्रीधर के बीच क्या बातें होती हैं, ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। चैप्टर 11, प्रोफेसर या बाबा रामदेव। एक यंगस्टर को हेल्दी डाइट और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। तुम 2 हफ्तों से बीमार चल रहे हो, तुम्हारी बॉडी भी काफी वीक है। बीमार? यश काफी कंफ्यूज हो गया था। प्रोफेसर ने अपना ड्रॉअर खोला और एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसके सामने रख दिया। ये सौंफ, अदरक, काली मिर्च और तुलसी का पाउडर है। इसे गर्म पानी में उबालकर ले लिया करो, ये तुम्हारी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहेगा। यश ने हैरानी के साथ उस बॉक्स को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने राइट हैंड साइड से फ्लास्क को हाथ में लिया, खोला और गर्म पानी एक गिलास में डाल के वो पाउडर मिला लिया और उसकी एक सिप ली। इट्स ओके नाउ, तुम जाओ और आराम करो और एक्सरसाइज भी करो। अगर श्रेया ने मुझे नहीं बताया होता तुम्हारे बारे में तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम बीमार रहते हो। उन्होंने यश के सर पर हाथ घुमाया, लेकिन यश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। प्रोफेसर को यह बात अजीब लगी। यश को अचानक याद आया कि श्रेया ने उसका होमवर्क अगले वीक तक बढ़वा दिया था। तब उसने मन में कहा, तो उसने ये रीजन बताया, तभी सोचूं ये बाबा रामदेव क्यों बन रहे हैं। मुझे पहले बता देना चाहिए था, अभी तो मेरे मुंह से बात फिसलते फिसलते रह गई थी। ये सोचकर उसने बोला, थैंक यू प्रोफेसर, मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी लेकिन अब ठीक है, इसीलिए मैं आपके पास नोट्स लेके आया हूं। इससे पहले यश आगे कुछ बोलता, प्रोफेसर ने अपना गला साफ किया और उसे बीच में रोक दिया। ओ, नोट्स, यू कैन गिव मी नेक्स्ट वीक। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि यह पनिशमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है समझाने के लिए। ये सब तुम्हारी भलाई। यश ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, सर कंप्लीट हो गया है,
भलाई के लिए है। प्रोफेसर के लिए यह मौका था कि वो उसे भाषण दे सके, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि लड़के ने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन्होंने अपना बोलना बंद किया और आश्चर्य के साथ उसे देखा। वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर थे, इसलिए उनको ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने गिलास में से एक और सिप लिया, उन्होंने वो काढ़ा खत्म किया और फिर वो अपने नॉर्मल अवतार में आ चुके थे। उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया। अगर तुमने ऑलरेडी काम कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं हैरान हूं तुमने लास्ट वीक के नोट्स को एक रात में कॉपी कर लिया। लगता है काफी मेहनती हो, लेकिन इस हार्ड वर्क को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। इसे कॉपी करके तुमने? सर, मैंने सेमेस्टर के स्टार्ट से ही कंप्लीट कर दिया है, ना कि सिर्फ लास्ट वीक का, उसने कहा। यश ने नोट्स निकाले और उनकी डेस्क पर रख दिए। प्रोफेसर श्रीधर ने पहली बुक खोली। एक बार में उन्हें पता चल गया कि ये यश की राइटिंग है। उन्होंने ये भी नोट किया कि किसी दूसरे बच्चे की बुक तो नहीं है। थोड़े पेजेस घुमाने के बाद उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि यश ने ही नोट्स लिखे हैं। वो सरप्राइज थे क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा नहीं देखा था। ये नोट्स काफी अच्छे तरीके से लिखे थे, एक एक डिटेल, स्टोरी और एग्जाम्पल्स भी थे। उनको फिर भी शक था, इसलिए उन्होंने एक और बुक की जांच की। उन्होंने तब सोचा, क्या यह मेहनती लड़का है? क्या मैंने इसे पनिशमेंट देने में गलती तो नहीं करती थी? ऊपर से यह सेमेस्टर टेस्ट एक ओपन बुक टेस्ट है, फिर भी इस बच्चे ने इतनी डिटेल में नोट्स लिखे थे। यह काफी मेहनती लड़का है। यह सब देखने के बाद प्रोफेसर श्रीधर की टोन सॉफ्ट हो गई थी। नॉट बैड, नॉट बैड। अगर तुम्हें कभी कुछ ना समझ में आए या कुछ और बात करनी हो तो मेरे पास आ सकते हो, मैं यहीं मिलूंगा अगर कोई क्लास नहीं रही तो। हालांकि यश को नहीं पता चला कि क्यों प्रोफेसर इतने सॉफ्ट हो गए हैं। यश ने स्माइल के साथ रिप्लाई करा, थैंक यू सर। यश इतना पोलाइट था, इसलिए प्रोफेसर ने अपना ड्रॉअर फिर से खोला और दूसरा सेम टाइप का बॉक्स निकाला और उन्होंने एक और बॉक्स उसे दे दिया। तुम इसे पीते रहो और अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखो। शॉक्ड, यश ने उसे लेने से मना कर दिया। सर, मैं इसे नहीं ले सकता, एक काफी है। नहीं, तुम अच्छे से तब ही पढ़ सकते हो अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी रही। तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो, तुम्हारा फोकस बॉडी और स्टडीज दोनों में होना चाहिए। ये कहकर उन्होंने यश के हाथ में बॉक्स रख दिया। वो अपनी चेयर से उठे और यश के राइट आर्म को हल्के से प्रेस करते हुए कहा, अब तुम और मेहनत करना। इस बार यश मना नहीं कर पाया और वो बॉक्सेस लेके ऑफिस से निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर श्रीधर के बिहेवियर से वो रोए कि हंसे, लेकिन उसने उनका एक नया रूप देखा था और वो काफी खुश था। प्रोफेसर श्रीधर अच्छे इंसान है, अब से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उन्हें तंग ना करूं। मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगा, आखिर इस पोजीशन पे आना आसान नहीं है। उसने फोन पर टाइम चेक किया, इट्स 9:55 AM, अब इंग्लिश क्लास है। उसने बैग संभाला और लेक्चर हॉल की तरफ निकल गया जो कि ग्राउंड फ्लोर पे था। उसने लंबी सांस ली, उसकी आज भी यही स्ट्रेटेजी थी कि लास्ट रो में कोई कॉर्नर सीट मिल जाए, पर आज वो ऑक्यूपाइड थी। वो हॉल में कॉर्नर सीट्स ढूंढ रहा था, इतने में श्रेया ने आवाज दी। श्रेया ने आज एक बार फिर सिंपल ड्रेस पहन रखी थी, वो फिर उस वाइट ड्रेस में परी लग रही थी। उसकी ड्रेस का वी कट गला था और उसकी ड्रेस उसके फिगर को और भी अच्छे से निखार रही थी। हालांकि उसकी वो ड्रेस परफेक्ट थी, लेकिन हल्का सा फॉल्ट था। उसने वी नेक पहना हुआ था, फिर भी उसके सिर्फ कॉलर बोन से दिख रहे थे। वो वी नेक के कारण नहीं था, असल में उसने जाना कि वादियों में खाई थी ही नहीं, रास्ते जरा समतल थे। सिर्फ यही एक कमी थी श्रेया की परफेक्ट बॉडी में। यश रुका और कहा, हाँ? श्रेया का सीक्रेट जानने के बाद वे और नजदीक आ गए थे। श्रेया ने आसपास देखा और जब लगा कि उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, तब उसने उसे पास बुलाया और खुशपुस्सी आवाज में कहा, तुम हमेशा पीछे मत बैठा करो इंग्लिश क्लास में, थोड़ा ध्यान दिया करो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जस्ट पास होना कॉलेज लेवल पे कैसा होता है? यश ने अपना गला साफ किया। हर एक सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स थे 35 out of 100। ये सेमेस्टर सिस्टम का 70-30 रूल है, मतलब 70 मार्क्स हर सेमेस्टर के एंड में और बाकी के 30 मार्क्स क्लास पार्टिसिपेशन, यूनिट टेस्ट्स और अटेंडेंस को दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा यूनिट टेस्ट्स में या फिर क्लास पार्टिसिपेशन में कम स्कोर करता है तो उसके पास चांस होता है कि वो फाइनल रिटन एग्जाम में स्कोर कर सके। श्रेया
30 मार्क्स के बारे में बात कर रही थी। बेंगलोर यूनिवर्सिटी इन मामलों में काफी स्ट्रिक्ट थी। इस सेमेस्टर ओपन बुक टेस्ट होने वाला था 10 मार्क्स के लिए, लेकिन हर 10 मार्क्स में से 6 मार्क्स लाना कंपलसरी था। श्रेया को मालूम था कि यश के 30 मार्क्स खतरे में है, लेकिन यह भी एक सच था कि यूनिवर्सिटी में फेल बहुत कम लोग होते हैं। उसे लगा कि यश उसकी एडवाइस को सुन रहा है और वो बोली, देखो अभी भी समय है, हम कवर अप कर सकते हैं। ये सब सुनकर यश के दिमाग में जोरों का दर्द उठा। शायद श्रेया ने इस सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। थैंक्स श्रेया, यश ने गंदे मूड के साथ कहा और उसके बाजू में ही बैठ गया, पर उसकी नजर अभी भी एक कॉर्नर सीट को ही ढूंढ रही थी। लेकिन बदकिस्मती से युक्ति आ गई थी। जैसे ही वो आई, उसने पूरे हॉल को स्कैन किया और यश को देखा, मानो वो उसके लिए ही आई हो। चैप्टर 12, बेबी डॉल ये सोने दी। जैसे ही यश की नजर युक्ति की नजर से मिली, वो सुन्न पड़ गया था। शुक्र है कि युक्ति ने कुछ नहीं बोला। उसने फिर से एक लंबी सांस ली और जल्दी से अपना फेस टेक्स्ट बुक के पीछे छिपा लिया, जैसे कि अगर वो उसे नहीं देख सकता है तो युक्ति भी नहीं देख सकती होगी। युक्ति ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल पैंट सूट पहन रखा था, ऊपर से उसका डॉल जैसा फेस, वो एक हॉट टीचर जैसी लग रही थी। उसका व्हाइट शर्ट लूज था, फिर भी बिल्कुल सही जगहों से टाइट था और देखकर लग रहा था कि मानो शर्ट के बटन खुलने वाले हों। यश ने बड़े ध्यान से युक्ति की ओर देखा और फिर श्रेया की ओर देखा। ये दोनों ही लड़कियां हैं, फिर भी इतना डिफरेंस। श्रेया को ऑब्वियसली पता चल गया कि वो क्या सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, यू बॉयज, यू गर्ल्स, उसने प्लेफुली रिप्लाई दिया। फिर उसने फोन निकाला और सर्च करने लगा, हाउ टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। पहले के एक्सपीरियंस से युक्ति अब काफी रिलैक्स दिखाई पड़ रही थी और इस बार उसने श्रेया को अटेंडेंस लेने के लिए कहा ताकि वो लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो सके। श्रेया ने अटेंडेंस लेना शुरू किया। वो एस नाम के सीरीज पे पहुंची। श्रेया प्रेजेंट, श्रेया ने खुद का नाम बुलाया और खुद ही प्रेजेंट बोला। इस बात से यश को काफी हंसी आई और श्रेया के वंडर वुमन वाली इमेज पर एक स्टूपिड गर्ल का टैग भी लग गया। श्रेया ने ऊपर से कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन यश के फीट पर जोर से अपना फीट रख दिया। उसने फ्लैट चप्पल पहन रखी थी, इसलिए उसने तब तक रखे रखा जब तक यश को दर्द नहीं हुआ। लास्ट में उसने यश को एक विनिंग स्माइल दी। जब से श्रेया ने अपना सीक्रेट यश को बताया था, तब से वो उसके साथ ओपन हो गई थी। जल्दी उसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया था और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। उसने युक्ति को बोला, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। युक्ति ने पूछा, श्योर? यश श्रेया की काउंटिंग में मदद करना चाह रहा था। उसने धीरे से कहा, 1, पर श्रेया ने कॉन्फिडेंटली कहा, यस युक्ति, 187 पीपल आर प्रेजेंट। ओके, युक्ति ने कहा और लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया। श्रेया के बैठने के बाद यश ने उसे एक सरप्राइज लुक दिया। वाह, तुमने इस बार कोई गड़बड़ नहीं की। श्रेया ने अपने फिंगर अपने लिप्स पर रखी और इशारा किया कि वो शांत रहे। फिर उसने एक स्टिकी नोट रजिस्टर से उतारा। उसके स्टिकी नोट पर 1+1 5 जगह लिखा हुआ था और फिर 187 से -5 की कैलकुलेशन थी। ये देखकर यश ने सोचा, अब समझा, मुझे लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रही थी, पर यह तो आइंस्टाइन की मां बनी बैठी थी। स्मार्ट गर्ल। क्लास बिना कुछ परेशानी के चल रही थी। इस सब्जेक्ट के बारे में युक्ति के पास भरपूर नॉलेज थी। हालांकि ये एक लैंग्वेज है, पर युक्ति ने काफी कोर्स बताए थे, इस कारण वो हिस्ट्री जैसा भी साउंड कर रहा था। उसने कुछ अच्छी डायलॉग्स अमेरिकन मूवीज से भी कोट करी थी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्यादा अमेरिकन कंटेंट नहीं देखा था, इसलिए सिर्फ युक्ति को ही उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा था और स्टूडेंट्स बिना कुछ रिएक्ट करे सुन रहे थे। ये लेक्चर भी यश के लिए कुछ खास नहीं जा रहा था। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सिर्फ टीचर्स पर रिलाय नहीं करना चाहिए, उसकी खुद की मेहनत ही काम आएगी। यश सिर्फ अपने लक पे रिलाय करने लग गया था। यश ने एक बार मेहनत की थी, लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आए और उस वक्त से यश ने इंग्लिश को दूर से ही प्रणाम किया। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट को इंसान होता तो वो उससे कहता, ओ भाई मुझे बख्श दे। वो क्लास बिना कोई अड़चन के खत्म हुई।
युक्ति ने कुछ नहीं पूछा था। यश बहुत खुश हुआ। जब उसने क्लास खत्म की, यश ने आराम से अपना बैग और बुक संभाला और श्रेया को बाय करके अपना सर नीचे कर जल्द से जल्द जाने लगा। और तब युक्ति बोली, यश, यश है यहां। यश की बॉडी मानो फिर सुन पड़ गई थी और उसे लग रहा था सारी क्लास का अटेंशन उसी पर था। वो हल्के से टर्न हुआ और देखना चाहा कि युक्ति कहां खड़ी है। यश अपने टोस पे स्टेज के एजेस पर खड़ी थी। वो सोच रहा था कि मौलाना भाग सकता है लेकिन मस्जिद उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। जो करता है वही भरता है और वैसे भी उसे ये फेस करना ही था, आज या कल। उसने युक्ति की तरफ देखा। जी युक्ति। मैम। युक्ति ने उसे इशारा किया और कहा, कम टू माई ऑफिस। युक्ति फिर हॉल से निकल गई और यश ने चैन की सांस ली। ऐसा लगता है कि वो मेरी आराम से क्लास लेने वाली है। यश ने उसको फॉलो किया। 2 मिनट बाद युक्ति ने उसे एक स्माइल दी लेकिन यश को कुछ समझ नहीं आया। सच बात तो ये थी कि यश ने उसे 2 बार बचाया था और टैक्सी फेयर के नाम पे उससे पैसे भी ऐंठ लिए थे। वो बिल्कुल क्ल्यूलेस था कि युक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, या फिर दोनों ही हो सकता है। यश ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था, अचानक से युक्ति रुक गई और वो टकरा गए। यश को रियलाइज हुआ कि उसने एक्सीडेंटली प्रोफेसर को धक्का दे दिया था और युक्ति के सारे नोट्स नीचे गिर गए थे। युक्ति नीचे झुककर नोट्स उठाने लगी। यश ने भी सॉरी बोला और उसकी मदद करने लगा। जब यश ने थोड़े पेपर्स उठा लिए थे तब उसने एक छोटा सा पर्स देखा। उस पे फ्लावर्स बने हुए थे। उसने उत्सुकता से वो उठा लिया। वो अपने साइज से थोड़ा हैवी था जबकि उसकी साइज एक बच्चे की मुट्ठी जितनी ही थी, लेकिन उसका वेट लगभग 2 किलो जितना होगा। अब उसने उसे हिला के देखा तो उसमें से कुछ चीजों की आवाज आई। What's this? इससे पहले कि यश पता करे, युक्ति ने उसे बुला लिया था। उसने वो पर्स उसे वापस दिया और दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। पर चलते चलते उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि उसने दोबारा पूछ ही लिया, Excuse me, ये पर्स में क्या है? लेकिन युक्ति ने उसे जवाब नहीं दिया बल्कि उसने उसे खोल के दिखाया। जब उसने पर्स के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। पर्स के अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। कुछ 8 सोने के सिक्के होंगे और उतने ही चांदी के। एक एक सिक्का करीबन 50 ग्राम के तो होंगे ही। बाप रे, इसको देख के मुझे वो बेबी डॉल वाला गाना याद आ रहा है। वैसे देखा जाए तो युक्ति भी सनी लियोन से कम नहीं है, यश ने सोचा। फिर उसने युक्ति को देखा और युक्ति ने उसे समझाया, ये सब छोड़ो, आई कॉल्ड यू आउट फॉर 2 रीजंस। फिर यश ने अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन युक्ति की बातों में लगा दिया। उसे समझ आ गया था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। क्या कॉन्वर्सेशन होता है युक्ति और यश के बीच, ये जानने के लिए सुनते रहिए अपग्रेड सिर्फ पॉकेट FM पर। चैप्टर 13, धोखा। यश ने पूछा, कौन सी 2 बातें? युक्ति ने स्माइल दी। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू बोलना चाह रही थी, बट तुम्हारा तरीका गलत था। हालांकि उसे कुछ जस्टिफिकेशन नहीं देनी थी लेकिन फिर भी यश ने अपना सिर हिलाया। युक्ति थोड़ा सीरियस दिख रही थी पर चाहे वो कितनी भी सीरियस होने की कोशिश कर ले वो हमेशा क्यूट ही लगती थी। और दूसरी बात यह है कि मैंने बाकी के प्रोफेसर से पूछा तुम्हारे बारे में, उनका फीडबैक काफी अच्छा था और क्लास पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया में भी तुम आगे हो, लेकिन मैंने तुम्हें मेरी इंग्लिश क्लास में नहीं देखा इसलिए मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं दे सकती। पर तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, मगर मैं एक टीचर हूं और स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यश को फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता चल रहा था कि बाकी प्रोफेसर्स ने अच्छा फीडबैक कैसे दे दिया और युक्ति आखिर क्या कहना चाहती थी। एज यूजुअल उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। वेल यश, यू हैव रिसीव्ड 25 out of 30 इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन इंग्लिश में ये बहुत कम है। यश फिर से सरप्राइज था कि ऐसे मार्क्स कौन बताता है, वो भी एग्जाम से पहले ही। उसने सोचा, अगर युक्ति की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो
तो मुझे फिर भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन बुक टेस्ट में तो वैसे भी पास हो ही जाते हैं, मुझे सिर्फ दिक्कत इंग्लिश में ही आती है। पर अब युक्ति ना जाने क्या करेगी, एक तरफ थैंक्स कह रही है तो दूसरी ओर मार्क्स भी कम देने वाली है। जब यश का दिल और दिमाग ये सब सुलझाने में लगा हुआ था, तब युक्ति ने फिर से बोलना शुरू किया, पर इस बार थोड़े अच्छे एक्सप्रेशन में। देखो, अगर मैं चाहूं तो भी अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स नहीं दे सकती अभी। लेकिन यश का दिल मानो रोलर कोस्टर राइड पे था। फिर युक्ति ने यश के कंधे पर हाथ रखा। देखो यश, जैसा कि पहले मैंने बताया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू सेव माय लाइफ। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें असाइनमेंट्स दूंगी और उसके लिए तुम मेरे पास सैटरडेज को एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने आ सकते हो। तुम्हें क्या लगता? उससे पहले कि युक्ति आगे कुछ बोले, यश ने रिप्लाई किया, नहीं मिस, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस बार युक्ति हैरान हो गई, मानो युक्ति के अरमानों पर पानी फिर गया हो। जब से उसे पता चला था कि यश ने उसे बचाया भी था और पैसे भी हैट लिए थे, उसने यश पे अटेंशन देना शुरू कर दिया था। उसने ये नोटिस किया था कि ये सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में ही वीक है। एक टैलेंटेड टीचर होने के हिसाब से वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी कि जिससे उसका नाम टीचर्स फैकल्टी में खराब हो। उसे ये भी पता था कि यश जल्दी से सुनता नहीं है किसी की। इनकी पहली मुलाकात में ही यश ने उस बेवड़े जॉन को ईंट से मारा था और दूसरी मुलाकात में उसने एक स्टूडेंट की बुक को किक मारा था। चाहे युक्ति कुछ भी सोचे यश के बारे में, सच्चाई तो ये थी कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था। इसलिए शायद युक्ति ने प्रॉपर प्लानिंग की थी। उसने सोच रखा था कि उसको थैंक्स बोलूंगी और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कंपेयर करके आखिर में वो उसे समझाएगी कि वो इंग्लिश सब्जेक्ट में क्यों पास नहीं हो सकता। इन सब के बाद ही वो उसे प्राइवेट ट्यूशंस के लिए कहेगी। कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट इसकी बातों में आ सकता था, लेकिन यश कोई आम स्टूडेंट नहीं था। उसने बिना कुछ सोच विचार किए ट्यूशन के लिए मना कर दिया। इस तरह यश ने युक्ति के सारे प्लान्स फेल कर दिए थे। युक्ति के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिखाई देना शुरू हो गया था। युक्ति अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। Why not? बिना किसी संकोच के यश ने उसे जवाब दिया। मिस, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है वीकेंड्स पर, इसी वजह से मेरे पास वक्त नहीं है एक्स्ट्रा ट्यूशंस के लिए। ये सुनने के बाद युक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह अच्छी बात है कि तुम अपना टाइम कुछ सीखने में लगा रहे हो, लेकिन तुम अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो। ये पैसे कमाने की उम्र नहीं है, तुम्हारा ध्यान सिर्फ स्टडीज पे होना चाहिए। जब यश ने यह सब सुना तब उसके चेहरे से मुस्कान छूमंतर हो गई थी और उसने उसे देखते हुए बोला, क्या आपको पता है मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? युक्ति एक बार और चुप हो गई थी। यश खिड़की के पास गया और बोला, मेरे पेरेंट्स मजदूर हैं। मेरे पूरे गांव में सब लोग लेबर वर्क ही करते हैं और हम कोई अमीर नहीं है। एक साल की मेहनत के बाद कमाई लगभग सिर्फ 1 लाख रुपए तक की होती है और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए सेविंग्स कर रखी थी। मैम, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे तो कभी फैक्ट्रीज में। अगर उससे भी कोई पैसे नहीं मिलते तो खेती बाड़ी भी करते हैं। वहां की लाइफ और बैंगलोर जैसी सिटी की लाइफ में बहुत अंतर है। यहाँ के एक स्टूडेंट के मंथली एक्सपेंसेस 2000 के होते हैं, पर मेरे पेरेंट्स की कमाई भी 10,000 से कम है। उसमें से उनका गुजारा और मेरी पढ़ाई के भी खर्चे कैसे निकाल सकते हैं? चलो मान भी लिया कि वो डेली खर्चों के लिए कमा भी ले, मेरी कॉलेज फीस के लिए फिर उनके पास कुछ नहीं बचेगा और अभी पूरे 3 साल कॉलेज बाकी है। ये सब सुनकर युक्ति हैरान रह गई थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिर वो रिसेंट ग्रेजुएट थी और ना कोई एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर। यश ने अब उसकी तरफ मुंह कर लिया था। मेरे बैंगलोर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ के लोग रोज अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और आईफोन्स के नीचे तो देखते भी नहीं। यहाँ के मोस्टली सारे घरों में एक कार होती है जिसकी कीमत मेरे परिवार के 1 साल की इनकम से भी ज्यादा है। मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से मुझे हमेशा सिखाया गया था कि कभी भी खाने पीने के लिए किसी के सामने झोली नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। मुझे ये सिखाया गया था कि हमें एक इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए और पैसों का गुलाम नहीं। बट अभी मैंने ये समझा है कि एक गरीब इंसान को सिर्फ पैसे ही दिखते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया गया था कि
हमेशा पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन यहाँ आकर समझा कि पैसों के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो यहाँ तक बोला गया था कि पैसे हाथों का मैल है, लेकिन इस मैल के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर यश ने युक्ति को एक स्माइल दी। मुझे कमाना इसलिए है ताकि मैं मेरे पेरेंट्स की और मेरी लाइफ चेंज कर सकूं। उसने बड़े निम्रता के साथ युक्ति से पूछा, क्या अब आपको पता चला कि मेरे लिए क्यों पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी है? युक्ति चिंतित हो गई थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे यश के इस सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो खुद उनमें से एक थी जिनकी लाइफ बड़े आराम से गुजर रही थी। उसके पेरेंट्स ने उसे कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। इस हिसाब से उसको ऐसा लगता था कि दुनिया में सब लोग उसकी तरह वेल रेज्ड ही होते हैं। आज यश की बात सुनकर उसका ये विश्वास तहस नहस हो गया था। उसने अपना मुंह खोला मगर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लास्ट में उसने जबरदस्ती कुछ कहने की कोशिश की, फिर तुम्हारे इंग्लिश रिजल्ट का क्या होगा? यश ने फिर से बड़े आराम से जवाब दिया, मैं असाइनमेंट्स कर लूंगा, लेकिन मेरी मेहनत से। युक्ति उससे और आर्ग्यू नहीं कर सकती थी। यश की स्टोरी सुनकर वो और कर भी क्या सकती थी। ओके, उसने धीरे से कहा। जब वो ये कह के हटी ही थी तब एक बीप की आवाज यश को सुनाई दी। ये मैजिक सिस्टम का मैसेज था, वो मैजिक सिस्टम जिसे सिर्फ यश देख और सुन सकता था। ब्रॉन्ज मिशन एक्टिवेट हुआ। तुम्हें अपनी हॉट मैडम के सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स से ज्यादा नंबर लाने होंगे, तभी तेरा नंबर भिड़ेगा। अब ये कहना ही बकचोदी है। अब यश के दिमाग की दही होने लगी थी। वो युक्ति को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था और इस सिस्टम ने इसकी बातें सच मान ली थी। ऑब्वियसली वो युक्ति को सिर्फ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ईमान को गिराकर पैसे कमाए। एटलीस्ट अब तक यश को यकीन था कि वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। गरीब होने के बावजूद भी उसने पैसों को सबसे इम्पोर्टेंट नहीं समझा था। उसने अपनी ऐसी लाचारी सिर्फ इसलिए दिखाई थी ताकि वो युक्ति की सिंपति ले सके। उसने ये भी कहा था कि वो इंग्लिश एग्जाम अपनी मेहनत से ही पास करेगा ताकि युक्ति के सामने एक पॉजिटिव इमेज बन जाए। पहले तो उसको बैड बॉय की इमेज चेंज करनी थी, और अगर वो बाय चांस फेल हो जाता है तो युक्ति उस पर दया करके उसे पास कर देती। जब उसके दिमाग में ये प्लान बनना शुरू हुआ तो वो बेहद खुश था और अपने आप ही पीठ थपथपाना चाहता था। और जैसे जैसे वो बोलता गया उसका ये बेबसी वाला नैरेटिव बनता गया। पर इन सब के चक्कर में उसने सिस्टम को भी धोखा देने का नहीं सोचा था। चैप्टर 14। हाय गोल्डी भाई, यश ने खुद से कहा, ये लड़की तो मैग्नेट की तरह चिपक गई है। मैंने उस डॉन जॉन को एक हफ्ते तक मारा था पर फिर भी सिस्टम से कोई दूसरा मिशन नहीं मिला, पर युक्ति से तुरंत मिल गया। सिर्फ युक्ति से रिलेटेड ही 3 मिशन एक्टिवेट हुए थे। कहीं ये मैजिकल सिस्टम ठरकी तो नहीं, जहां लड़की देखी वहीं चालू। यश ने सारे मिशंस याद किए और सोचा कि सारे ही ब्रॉन्ज थे। कंफ्यूज्ड यश ने सोचा, इससे मुझे स्पेशल एबिलिटी मिल सकती है, इग्नोर नहीं कर सकता। लास्ट ब्रॉन्ज मिशन ने उसे क्लोज कॉम्बैट एबिलिटीज दी थी और इसलिए उसने आसानी से 3 गुंडों को बड़े आराम से धूल चटा दी थी। हालांकि जब भी वो इंग्लिश टेस्ट पास करने के बारे में सोचता था तब उसका दिल अंदर से बहुत रोता था। उसका बेस्ट रिजल्ट इंग्लिश टेस्ट में आज तक सिर्फ हाई स्कूल में आया था। वो 7वें आसमान पर था जब उसको पासिंग मार्क्स मिल गए थे। उसके पहले उसने कभी भी कोई इंग्लिश टेस्ट पास नहीं की थी। अगर कोई और सब्जेक्ट नहीं होते जैसे कि मैथ्स, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जिनमें उसने बेहद अच्छे नंबर लाए थे, तो वो शायद कभी बेंगलोर यूनिवर्सिटी नहीं आ पाता। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगी थी। वो इतना भी बहादुर नहीं था कि वो इस मिशन को रिजेक्ट कर सके। मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने फिर मिशन एक्सेप्ट कर लिया। युक्ति उसे देख रही थी और उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने चेंज कैसे हो रहे थे कि मानो वो कुछ पढ़ रहा हो, और फिर वो उदास लगने लगा। युक्ति अपने आप को नहीं रोक सकी। व्हाट हैपेंड?
यश ने फिर से खिड़की की तरफ मुंह किया और बोला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कॉलेज के बाद यश अपने कमरे में पहुंचा। वो ये सोचने लग गया कि ये मिशन कैसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि वो अपनी सैड स्टोरी युक्ति को बताकर आया था। उसने यश को असाइनमेंट भी नहीं दिया था और ये कहकर जाने दिया था कि वो अब से रेगुलर क्लास अटेंड करे। लेकिन अगर युक्ति सच बोल रही थी कि उसने बाकी प्रोफेसर से बात की है, तो उसे प्रोफेसर श्रीधर से उसकी तबीयत के बारे में पता चल जाता। खैर, उसको ये भी पता था कि उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो इंग्लिश टेस्ट बिना पढ़े पास कर ले, और ना ही इतनी समझ कि वो खुद से पढ़ाई करके पास हो जाए। और वैसे भी उसका फोकस अब सिस्टम पे और पैसे कमाने में था, तो ये इम्पॉसिबल था कि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर पाए। उसने काफी सोचने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि उसे सिस्टम पर ही भरोसा रखना पड़ेगा पास होने के लिए। लेकिन एबिलिटीज जो ब्राउन मिशन से मिलती थी वो रैंडमली आती थी, फिर भी इंग्लिश एबिलिटी या कुछ सिमिलर पावर उसे मिल सकती थी या नहीं। इत्तेफाक से कल ही उसकी ईंट में एक पॉइंट ऐड हुआ था और वो अब लक्की ब्रिक बन चुकी थी। अगर वो चाहे तो वो ईंट से अपनी किस्मत ट्राई कर सकता था और शायद उसे इंग्लिश समझने की एबिलिटी भी मिल जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं टेस्ट क्लियर कर सकता हूं, यश ने यह बात सोचते हुए बड़ी एक्साइटमेंट दिखाई। उसे लग रहा था कि ये प्लान ठीक रहेगा, सिवाय एक चीज के कि वो ब्रॉन मिशन को एक्टिवेट कैसे करेगा। यश ने अभी तक एक कॉमन बात नोटिस कर ली थी, सिर्फ इस मिशन को छोड़कर बाकी सारे मिशंस किसी को बचाने के लिए ही थे। उस गुंडे जॉन के एक्सपीरियंस से यश को यह बात समझ में आ गई थी कि वो इस मिशन को किसी को इंटेंशनली मारकर एक्टिवेट नहीं कर सकता था, उसके लिए उसे किसी की मदद ही करनी पड़ेगी। वो सोचने लगा कि क्या कोई है ऐसा जिसे मदद की जरूरत हो। जब सूरज ढल गया और चांद आसमान में आ गया, उसे गोल्डी की याद आ गई। उसने उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करना स्टार्ट कर दिया ताकि उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स दिख सके या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वो मदद कर सके। लेकिन गोल्डी ने एक हफ्ते तक कुछ अपलोड या फिर पोस्ट नहीं किया था। उसे अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, गोल्डी को सामने से मैसेज करे। उसने टाइप करना शुरू किया, गोल्डी भाई, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम भविष्य भी देख सकते हो। उधर अपनी दुकान में गोल्डी परेशान बैठा हुआ था। पिछले एक दिन से वो ऐसा था क्योंकि उसके साइड बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसको उसकी भविष्यवाणी की चिंता थी। एक आम औरत की बेटी लापता हो गई थी और पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही थी, इसलिए वो गोल्डी बाबा के पास ये परेशानी लेकर आई थी। हालांकि ये भविष्यवाणियां सच नहीं होती थी, इसलिए गोल्डी ने उसे ये काम करने से मना कर दिया था। उसने औरत से कहा था कि मेरे पास ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि गुमशुदा का पता लगा सकूं, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर पाया। उसे लगा था कि वो मामला ठंडा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो मासूम औरत उसकी शॉप पे रोज आने लगी थी और रोज ही वो रोते हुए जाती थी। इस कारण से गोल्डी के इस बिजनेस और गोल्ड बिजनेस दोनों पर असर पड़ रहा था। गोल्डी अभी यंग था, फिर भी उसके सर पर सफेद बाल आ गए थे। हाँ, मुझे लगा था यह औरत मेरी बात सुनकर चली जाएगी, लेकिन उसने पहले मुझसे सलाह ली थी और वो सही भी निकली थी। इस कारण अब वो गोल्डी बाबा पर विश्वास रखे हुई है, लेकिन इसे कौन समझाए? आज भी लोग अंधविश्वास को मानते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या मैं लकी हूं या अनलकी? वो ये सब सोच ही रहा था तब उसके फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। उसने उठाया और देखा कि ये उस स्टूडेंट का नंबर था जिसने उसे गोल्ड बेचा था। उसमें लिखा था, गोल्डी भाई, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि तुम भविष्य भी देख सकते हो। गोल्डी का मन था कि वो उस मैसेज को इग्नोर कर दे, लेकिन ये सोचने के बाद कि वो लड़का श्रेया का दोस्त था, उसने सोचा ये सही नहीं होगा और उसने अपनी मोटी मोटी उंगलियों से टाइप किया, यस। फिर 10 सेकंड्स के अंदर यश का मैसेज आ जाता है, वो औरत जो आपकी शॉप पर आई थी उस दिन, जो अपनी बेटी को ढूंढने आपके पास आई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पॉसिबल है? गोल्डी हैरान था ये मैसेज देखकर। क्या इसे पता है उसके बारे में या किसी और को ढूंढ रहा है? गोल्डी ने फिर थोड़ा चिढ़ते हुए उसे रिप्लाई किया, इस बारे में किसी स्टूडेंट से मैं कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। उसे लग रहा था कि शायद वो समझ जाए कि गोल्डी को उससे कोई बात नहीं करनी है। ये सोचकर उसने फोन दूर रख दिया।
उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था यश से दोस्ती बढ़ाने में। अगर वो श्रेया का दोस्त नहीं होता तो शायद वो ऐसे लड़की से बात भी नहीं करता। लेकिन फिर उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसे फोन नहीं उठाना था, पर उसके क्यूरियोसिटी के कारण उसने फिर से फोन उठाकर चेक करना चाहा। गोल्डी एक बार फिर सरप्राइज्ड हो गया मैसेज देखकर, क्योंकि मैसेज में लिखा था, उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चैप्टर 15, भाविका की तलाश। वो मैसेज देखते ही गोल्डी भाई का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बच्चा किसी को ढूंढ सकता है? कैसे? एक कंपास से? पता नहीं धंधा चलेगा या नहीं। ये सब सोचने के बाद भी गोल्डी ने शॉप खोली, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। वो एक स्मार्ट आदमी था जो अपने दम पे खड़ा था। उसने यश को रिप्लाई ना करके सीधे फोन कर लिया। जब कॉल पिक हो गई तब एक लड़की की स्वीट सी लेकिन गुस्सेल आवाज आई। हाँ क्या है? गोल्डी ने एक बड़ी स्माइल दी और कहा, प्रीति तुमने क्या नाम बताया था उस स्टूडेंट का जिससे तुम मुझे मिलवाने वाली थी? हाँ वही, यश। अच्छा, वो तुम्हारी फ्रेंड श्रेया का दोस्त है? मतलब ये कोई लोकल लड़का नहीं है? तुम उसे नहीं जानती? अच्छा मैं समझ गया, थैंक यू प्रीति। उसने फोन काटा और उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई, क्योंकि वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसने व्हाट्सएप खोला और मैसेज किया, मेरे दोस्त क्या तुम भविष्य भी बताते हो? कुछ देर बाद उसे रिप्लाई आया, थोड़ा बहुत, पर मैं उसमें माहिर नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों को लोकेट कर सकता हूँ। गोल्डी उसका मैसेज देख के बहुत खुश हो गया। वो काफी श्योर था यश एक फ्रॉड है। उसने खुद को एक फॉर्चून टेलर बताया था, पर वो उसमें बिलीव नहीं करता था। उसने ऐसा प्रिटेंड किया था क्योंकि वहां उस एरिया के लोग इस सब में मानते थे। एक फॉर्चून टेलर सब कुछ केवल दिखावे, कपड़ों और चाल को देख के एक इंसान की नौकरी, उम्र, परिवार और यहां तक के ख्याल बता सकता है। इस सब का केवल एक ही एम होता है, सामने वाले की कमजोरी को पकड़ उसका फायदा उठाना। जिन फॉर्चून टेलर्स की कही हुई बातें सच हो जाती और जैसे ही टारगेट पूरी तरह से फॉर्चून टेलर पर पूरा भरोसा करने लगता है, तब वो फॉर्चून टेलर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ लेता है, क्योंकि गोल्डी को इन सब के बारे में पहले से ही जानकारी थी। और यश ने खुद को फॉर्चून टेलर बताया तो उसने तुरंत से उसे अपने जैसे धोखेबाज लोगों में से ही एक मान लिया। गोल्डी ने ये सब बातें सोचकर तुरंत अपनी फीमेल कस्टमर को आगे कर दिया कि वो ही इससे निपटे और अपना काम करे। हालांकि अगर यश बच्ची को नहीं भी ढूंढ पाया तो ये गोल्डी का नाम खराब नहीं होता, उसे यश की हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। यही सब सोचकर गोल्डी ने यश को मैसेज किया, तुम कल दुकान पर क्यों नहीं आ जाते? मैं तुम्हें मेरी एक दोस्त से मिलवा दूंगा। अगर तुम उसकी बेटी को ढूंढ निकाल पाते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, यश ने कहा। अगले दिन जो कि सैटरडे था, यश गोल्डी की दुकान पर काफी जल्दी पहुंच गया। गोल्डी ने उसका स्वागत किया और उसे अपने ऑफिस ले गया, जहां उसकी कस्टमर पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। पिछली बार यश ने उस कस्टमर को ढंग से नहीं देखा था, मगर इस बार उसे करीब से देखा तो उससे वो काफी अच्छी लगी। उसमें बस एक ही खामी थी, जो कि उसका गुस्सा था। वो शायद काफी मेकअप करती है और वो काफी कमजोर दिख रही थी। वो देखने में काफी हद तक सुंदर दिख रही थी, लेकिन क्योंकि शायद वो काफी दिनों से अच्छे से सोई नहीं थी, उसके मुंह पर झुर्रियां रही थी उसकी लाल आंखों के साथ। यश ने जब उस औरत को अच्छे से देख लिया तो गोल्डी बाई ने उसे उस औरत से मिलवाया। अनन्या जी, ये मेरा दोस्त है, ये एक एक्सपर्ट फॉर्चून टेलर है। मैं शायद लोगों को ढूंढने में माहिर ना हूँ, लेकिन ये मेरा दोस्त गुमशुदा लोगों को ढूंढने में माहिर है। अनन्या की आस अचानक उस गोल्डी से हटकर यश की ओर हो गई। उसकी आंखों में शक और घबराहट दोनों साफ दिख रहे थे, मगर उसने अपने शक को जाहिर नहीं किया, बल्कि उसने गोल्डी से ये पूछा, क्या ये एक्सपर्ट कहलाने के लिए काफी छोटा नहीं है? यश कुछ भी कहता उससे पहले ही गोल्डी ने समझाया, एज इज जस्ट ए नंबर, इसे फॉर्चून टेलिंग में बहुत माजा हुआ कहते हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये दुनिया में किसी भी खोए हुए को ढूंढ सकता है। गोल्डी यश को और ऊपर चढ़ाए जा रहा था, और इस सब के पीछे उसका मकसद सिंपल था, जितना ज्यादा वो यश की तारीफ करेगा अनन्या की उम्मीदें उससे बढ़ती जाएंगी। इस सब में कुछ भी गलत होता है तो जवाब देने की जिम्मेदारी
गोल्डी की ना होकर अब यश की होगी। आखिर यदि कुछ बात नहीं भी बनती तो गोल्डी को तो ज्यादा से ज्यादा यही कहना है कि मैं नहीं जानता था कि मेरा दोस्त इतना भी माहिर नहीं था जितना कि मैंने उसको सोचा था, और ये बोलकर वो अपना पल्ला झाड़ सकता था। साथ ही साथ उसने तो ये भी पहले ही कह दिया था कि गुमशुदा लोगों को ढूंढने में उसने कोई मास्टरी नहीं की है और वो इसमें ज्यादा कोई मदद नहीं कर सकता था। तो ये सब कहकर उसने अपना काम पूरा भी किया और उसकी फॉर्चून टेलर वाली छवि भी बनी रही। गोल्डी की सारी बातें सुनकर अनन्या की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, मानो उसे एक नई उम्मीद की किरण दिख गई हो। उसने यश की तरफ यूं देखा मानो वही एक इंसान है जो उसे उसके हर सवाल का जवाब दे सकता है। यश ने अपना माथा हिलाते हुए कहा, मैं इतना भी खास और माहिर नहीं हूँ जितना कि गोल्डी भाई ने मेरे बारे में आपको बताया है। मेरी भविष्य बताने की एक सीमा है। मैं उसे तभी ढूंढ सकूंगा जब आपकी बेटी मेरी सेंसिंग रेंज के अंदर आ रही होगी। इसलिए आपकी बेटी को मैं ढूंढ सकूं, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। ये सुनते ही अनन्या के मुंह पे एक मायूसी फिर से छा गई और गोल्डी की आंखें फिर से चमक उठी। उसने सोचा, ये अच्छा बहाना है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मुझे भी ये कह देना चाहिए था कि ये मेरी रेंज के बाहर है, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आगे से यही बोलूंगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गोल्डी ने यश की तरफ और भी गौर से देखा और उसको गौर से सुना और फिर मन में ये सोचा, ये बच्चा बहुत ही तेज और शाना है। गोल्डी ने अपना गला साफ करते हुए अनन्या से कहा, हम क्यों ना मेरे दोस्त को थोड़ा समय देते हैं अपनी तरफ से कोशिश करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इस समय हमारे पास इससे बेहतर कोई और ऑप्शन भी है। अनन्या ने गोल्डी की तरफ देखा और हिचकते हुए कहा, ठीक है, ओके। अनन्या के उस बात पर हाँ करते ही यश के दिमाग में एक लंबी बीप साउंड बजी। ट्रिगर्ड ब्रॉन्ज मिशन, लोकेट भाविका। मैंने कर दिखाया, आई डिड इट। यश ने एक राहत की सांस ली, फाइनली अब जाके इतने हार्ड वर्क ने उसे सही जगह पहुंचा ही दिया। अब अगला मिशन उसे उस बच्ची भाविका को बचाना होगा। यश ने अपना बैग नीचे रखा और एक पेन और कुछ कागज निकाले। उसने उसकी माँ अनन्या से कुछ सवाल किए। अनन्या जी, आपने अपनी बेटी कहाँ खोई? अनन्या ने मायूसी से जवाब दिया, बगल के पार्क में। आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई या कुछ और? यश ने पूछा। अनन्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने किया था। मैंने भाविका को ढूंढने के लिए उसके गुमशुदा होने की खबर फैलाकर मैंने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करी। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी कराई थी, मगर सिक्योरिटी कैमराज में वो कहीं आई ही नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी है, शायद इसलिए। फुटेज से तो भाविका के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यश को ये जानकारी मिलते ही यश ने अपने उंगलियों से अपने फॉर्च्यून पेन को घुमाकर पेन की निप पेपर की तरफ कर दी और कहा, अगर ऐसा है तो हमें पहले पार्क में ही उसे लोकेट करना होगा, ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ पॉकेट एफएम पे। चैप्टर 16, अंगूर खट्टे हैं। अनन्या को यश की काबिलियत पर डाउट था, मगर गोल्डी ने उसे एक एक्सपर्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें सच में कुछ बात तो होनी चाहिए। ये सब ध्यान में रखकर उसने अपनी घबराहट को शांत किया और पूछा, ठीक है यश, तो अब हमें क्या करना होगा? यश ने अपने पेन और पेपर बैग में रखे और कहा, अनन्या जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें मुझे दे सकती हैं? अनन्या को पहले तो ये बात खटकी और वो थोड़ा झिझक भी गई, मगर उसने ये नहीं पूछा क्यों। उसने नंबर दिया और व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेज दी। तस्वीरें भेजने के बाद उसने पूछा, क्या आपको उसके पैदा होने के समय को भी जानना है या आपको उसका बर्थ डेट भी जानना है? मैं वो सब बता सकती हूँ। यश ने फोटोज खोलकर देखी और अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी। तो क्या आपको उसका कोई सामान चाहिए या मैं उसके नाम की स्पेलिंग आपको लिख कर दूं? अनन्या ने आगे पूछा। यश ने फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं होगी, आप रहने दीजिए। देखते ही देखते अनन्या का दिल फिर से टूटने का हुआ। उसने पूछा, फॉर्चून टेलिंग बिना जन्म समय या जन्म तिथि जाने
यहाँ तक कि बिना उसका नाम लिखे। गोल्डी जी, आप श्योर तो है ना कि जानते हैं कि कैसे करना है? ये मेरी बेटी को ढूंढ भी पाएंगे? वहीं दूसरी ओर गोल्डी थोड़ा तो भौचक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा और मन ही मन में कहा, ये बच्चा अभी कच्चा है, इसे फॉर्चून टेलिंग कैसे करते हैं और लोगों को उसमें कैसे विश्वास दिलाते हैं ये भी समझ नहीं है। शायद मानसिकता नहीं समझ पाया लोगों की। जो तुम्हें जितना बताना चाहे सुन लो या चाहे उन्हें लिख लो, बस तुम्हें अलग नहीं जाना। जैसा हर कोई करता आया है, खुद को भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपको उनकी मानसिकता से खेलना है। यही तो इस धंधे का गेम है। लगता है ये समझा नहीं है। गोल्डी हमेशा देखता था कि सब फॉर्चून टेलर्स कैसे अपना काम करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान से देखता था कि अगली बार वो उसे अपने प्रैक्टिस में ला सके, ताकि वो और भी ज्यादा प्रोफेशनल दिख सके। आखिर तभी तो कोई कस्टमर उसमें विश्वास करेगा, उसमें मानेगा। यश को कोई अंदाजा नहीं था कि वो दोनों उसके बारे में क्या सोचते थे। उसने बस अपना मोबाइल उठाया, व्हाट्सएप खोला और उस छोटी सी बच्ची की तस्वीर को देखा, जिसकी तीखी नाक, बड़ी आंखें और काले बाल थे, जो 4 से 5 साल की होगी और वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा स्वीट थी। उसने एक पिंक कलर का फ्रॉक पहना था जिस पर मिकी माउस बना हुआ था। उसकी हंसी बता रही थी कि उसके 2 दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, जो कि उसे और भी ज्यादा स्वीट बना रहे थे। वो देखने में अपनी माँ की हर बात मानने वाली प्यारी सुंदर बच्ची लग रही थी। ये ख्याल कि एक इतनी प्यारी बच्ची गायब है, जो शायद किडनैप हो गई हो, या शायद उससे भी बुरा, ये सब यश के दिल को और भी ज्यादा असमंजस में डाल रहा था। यूं तो यश एक अच्छा आदमी नहीं था, क्योंकि वो ये मदद अपने स्वार्थ के लिए करने को राजी हुआ था। उसे तो बस अपना मिशन एक्सेप्ट करना था और ज्यादा से ज्यादा बोनस पॉइंट जीतने थे। लेकिन जब से यश ने उस प्यारी सी तस्वीर को देखा, जीवन में पहली बार यश को लगा कि काश किसी तरह इस बच्ची की जान बचा लूं। उस छोटी सी बच्ची को कोई अनुभव नहीं था कि ये जालिम दुनिया क्या कर सकती है। यश इन सभी ख्यालों से इतना परेशान हो गया था कि वो अनन्या के साथ तुरंत दुकान से निकल गया। वो दोनों उसी पार्क में गए जहां आखिरी बार भाविका उनके साथ थी। गोल्डी उनके साथ नहीं गया, क्योंकि वो असल में चाहता ही नहीं था कि वो इन सब में पड़े। वो शुरू से ही पीछे हटना चाहता था। जैसे ही उसने सुना कि वो दोनों जा रहे हैं, उसने तुरंत से एक बहाना सोचा और ये कहा कि यश की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो उनके साथ नहीं आ रहा। वे दोनों तुरंत अनन्या की गाड़ी में बैठ गए, जहां अनन्या ड्राइवर सीट पर थी और यश पैसेंजर सीट पर। गाड़ी में बैठे अनन्या ने स्टीयरिंग व्हील को बहुत तेज पकड़ा, ऐसे मानो कि अपने ख्यालों में खोई हुई, डरी और सहमी हुई। आखिर में आकर उसने सामने से पूछ ही लिया, यश, क्या आप सच में मेरी बेटी को ढूंढ पाएंगे? यश ने वो मिशन ले तो लिया था, मगर उसने ये बात साफ नहीं की थी कि अगर वो उसकी रेंज में होगी तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। भले उसने साफ न कहा हो, मगर उसकी बातों से ये साफ था कि अगर किसी ने भाविका को वहां से किडनैप कर लिया हो, और अगर उससे उस जगह से, आखिर ये पूरी जगह भी तो छोटी नहीं है। और चैप्टर 17, बेंगलुरु में खोज। अनन्या का दिल धीरे धीरे फिर से टूटने लगा। जिसका डर था वही हुआ। भाविका पार्क में नहीं थी। पार्क काफी बड़ा था, कुछ 400 हेक्टेयर में फैला हुआ था, यानी देखा जाए तो 4 किलोमीटर में फैला हुआ था। और अगर हम यश की शक्तियों को देखें तो वो पैन उसे 20 किलोमीटर और तक ढूंढने की क्षमता रखता था, और अगर हम देखें तो वो 1256 स्क्वायर किलोमीटर तक ढूंढ सकता था। यश ने गूगल पर ढूंढा और उससे पता चला कि वो विजयनगर का नया डिस्ट्रिक्ट है जहां ये पार्क स्थित है, और ये कुछ 1220 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब सार ये है कि भाविका वहां पार्क में नहीं थी। पर वो गई तो गई कहां? कहां है वो? यश ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कैसे अनन्या उसकी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर उसकी हर भावना अच्छे से दिख रही थी। वो कैसा महसूस कर रही थी वो उसके चेहरे पर ही देखकर कहा जा सकता था। यश ने शांति से अपना पैन नीचे रख दिया और कहा, यहां से चलो, यहां नहीं है वो, भाविका में जहां नहीं मिलेगी। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और वो सीधे बिना कुछ कहे उसकी आंखों में घूर रही थी, मानो उसके दिल में बहुत से सवाल हैं। लेकिन फिर से उसने कोशिश की वो कुछ ना कहे और उसकी बात में विश्वास रखे, इसलिए उसने गाड़ी शुरू करी और पूछा, कहां जाना है? आनंदा डिस्ट्रिक्ट। आनंदा डिस्ट्रिक्ट
पूरे बेंगलुरु का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है। हर ट्रांसपोर्टेशन हब जैसे एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन इसी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। यश के आगे रहते हुए अनन्या ने गाड़ी आनंदा डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पार्क में किया था। उसने फिर से अपने हाथ में पेन लिया, आंखें बंद करी, एक अंगूर खाया और फिर कुछ नहीं हुआ। भाविका ट्रांसपोर्टेशन हब में भी नहीं थी। यश को कुछ नहीं समझ आया। उसके बाद वो दोनों पूरे बेंगलुरु में घूमे और एक एक डिस्ट्रिक्ट छान मारा। भुवन डिस्ट्रिक्ट नहीं, थेवरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, सहारा डिस्ट्रिक्ट नहीं, जहाना डिस्ट्रिक्ट यहां भी नहीं। पूरे बेंगलुरु के सारे बड़े डिस्ट्रिक्ट में तलाश करी गई और जैसे यश एक के बाद एक अंगूर पे अंगूर खाता गया, उसका दिल बैठता बैठता गया, दिल टूटता टूटता गया। अनन्या भीतर से टूट चुकी थी। उसकी निराशा उसके चेहरे पर साफ छलक रही थी। उसके चेहरे पर आती हुई स्माइल बहुत ज्यादा फेक लग रही थी। आखिर में उसने फिर खुद को रोकने की कोशिश नहीं करी। अगर आखिर में देखा जाए तो कोई भी एक व्यक्ति जो कि पहले से ही देखने में संदिग्ध लग रहा था, वो उसके साथ पूरे बेंगलुरु में घूम ली और उसे बस इतना ही आता था कि वो हाथ में एक पैन ले ले, अंगूर खा ले और कुछ नहीं। जब वो दोनों ट्रैफिक में फंस गए तो अनन्या ने चुपचाप अपना फोन निकाला और गोल्डी को मैसेज किया। गोल्डी भाई, आपका ये दोस्त शायद नहीं जानता क्या कर रहा है। मुझे इस पर भरोसा नहीं है। क्या आप मुझे एक दूसरे मास्टर से मिलवा देंगे? गोल्डी अपनी ऑफिस की गद्दी पर आराम से बैठा हुआ था। आखिर उसने उस परेशान करने वाली औरत को यश के हवाले कर दिया था और वो उस महीने की बिक्री का हिसाब कर रहा था और आराम से अपनी कोक एंजॉय कर रहा था। गोल्डी ने जब अपने फोन पर देखा कि उसे एक नया मैसेज आया हुआ है, उसने तुरंत से अपना फोन उठा लिया। मगर जब उसने देखा कि अनन्या ने उससे मदद के लिए मैसेज किया है तो वो बिल्कुल भी नहीं चौंका, बल्कि वो हंसने लगा, जैसे कि उसको पता था कि उसके पास ये मैसेज आना पक्का है। फॉर्चून टेलिंग बस एक धोखा है और कुछ भी नहीं। हाँ, शायद इसमें कुछ मानसिक तरीकों को काम में लाया जाता है, मगर किसी भी तरीके से ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए गोल्डी बिल्कुल भी नहीं चौंका कि यश उसकी बेटी को नहीं ढूंढ पाया था। असल में गोल्डी तब ज्यादा डर जाता जब यश सचमुच उसकी बेटी को ढूंढ निकालता। ये औरत पागल है, सच में पागल है। ये सोच भी कैसे सकती है कि फॉर्चून टेलिंग से किसी की बेटी को ढूंढा जा सकता है? इसका दिमाग ठिकाने पर तो है। और इन सब के ऊपर मैंने अपनी मुसीबत को एक बेवकूफ बच्चे पर थोप दिया है। कितनी मुश्किल से इससे पीछा छुड़ाया था। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं कि दोबारा से ये मुसीबत अपने सिर पर मोल ले लूं। इन सभी बातों को अपने मन में रखते हुए गोल्डी ने रिप्लाई किया, अनन्या जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, मगर क्या आप जानती हैं कि हम जैसे लोग जिनके पास ऐसी खास क्षमता है, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और यश तो हम सब में से बहुत ही उम्दा है। वो सच में सबसे अच्छा है जिसको मैं जानता हूँ। वो तो किसी को भी ढूंढ सकता है अपनी कला और क्षमता से। अगर वो भी आपकी बेटी को नहीं ढूंढ सका तो मुझे डर है कि मैं आपको और किसी से नहीं मिलवा सकता। आप खुद किसी और फॉर्चून टेलर से क्यों नहीं मिलती? आप उन्हें देख लीजिए और आजमा लीजिए। क्या पता आपको आपकी बेटी मिल जाए। क्या पता आप अगली बार मुझे खुशी से मैसेज करें। अभी तक अनन्या को हाशिए तक समझ नहीं आया कि गोल्डी बस उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। वो बस उसे किसी और पर थोपने की कोशिश कर रहा है। इतनी महंगी गाड़ी में बैठना वो डिजर्व नहीं करती, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ है कि उसे इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आई। अनन्या ने गुस्से में अपना फोन सामने को फेंका और गाड़ी की स्टोरेज कंपार्टमेंट को खोलकर उसमें से रुपयों की एक गड्डी निकाली, कुछ और भी पैसे निकाले और उन गड्डियों को यश की तरफ फेंका और कहा, तुम बस मुझे मेरे पैसों के लिए ठग रहे हो ना, है ना? ये लो, ये भी लो और ले करके निकल जाओ। बस मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। यश उस समय असल में अपने फोन में बेंगलुरु का मैप देख रहा था और अचानक से वो पैसों से पूरा ढक गया। वो चौंक गया और 2 सेकंड कुछ भी नहीं बोला। 2 सेकंड बाद वो शांत हुआ तो उसने अनन्या की तरफ घूरते हुए देखा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। पहले तो अनन्या यश से बहुत नाराज थी, पर जैसे जैसे सेकंड गुजरते गए धीरे धीरे उसकी आंखें आंसुओं से भरती गई और आखिर में वो बह ही गए। उसने फिर मजाल नहीं करी कि यश को उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके।
यश ने चुपचाप से गिरे हुए पैसे इकट्ठे किए और अनन्या के हाथ में रख दिए और शांति से धीरे से कहा, अनन्या जी, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप इस समय कैसा महसूस कर रही हैं, मगर आप हिम्मत मत हारिए। मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूं। सच में अगर वो अब भी बेंगलुरु में हुई तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर गौर से कहा। मेरी बात मानिए, मुझ में विश्वास कीजिए, मुझे और भाविका को एक मौका दीजिए। क्या पता वो कहीं आपका और मेरा इंतजार कर रही हो, कहीं छुपी हुई हो अकेली, ठंड में ठिठुरती हुई। अनन्या चुपचाप उसकी ओर देखते हुए उसे घूरती रही बिना कुछ कहे। उसकी नाक फिर से लाल होने लगी थी और आंखें ऐसी भर आई थी जैसे किसी ने पानी की एक परत चढ़ा दी हो। उसे सब धुंधला दिखने लगा था। कुछ ही देर बाद उसने अपना सर नीचे कर लिया और अपने आंसू पोंछने लगी और बहुत ही कमजोर सी आवाज में उसने कहा, थैंक यू, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मुझ पर काफी दिनों से बहुत ज्यादा प्रेशर है। आई एम सॉरी। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और अगर ऐसा कोई करोड़ों में कोई एक मौका भी मिलेगा तो अनन्या अपनी बेटी को ढूंढती रहेगी। अगर ये उसका आखिरी मौका नहीं होता तो वो एक फॉर्चून टेलर के पास नहीं आती, यहाँ तक एक अनजान से जिससे वो आज सुबह ही मिली है। उसमें इतना सब्र बंधा हुआ है तो कैसे इतनी जल्दी निराश होकर अपनी कोशिश छोड़ सकती है। गाड़ी फिर से चल पड़ी और उन्होंने फिर से बेंगलुरु का चक्कर मारना शुरू किया भाविका की तलाश में। बजरंग डिस्ट्रिक्ट, शादरा डिस्ट्रिक्ट, मीरा रोड डिस्ट्रिक्ट, भवन लेन डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट उन्होंने छान मारा था। उन दोनों ने देश के सबसे बड़े शहर का चक्कर मार लिया था मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। अनन्या की निराशा बढ़ती और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वो धीरे धीरे फिर से टूटती जा रही थी। वो जानती थी कि शायद उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है और शायद उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। उसके पास अपनी बेटी की एक आखिरी तस्वीर थी जो कि उसने पार्क में खींची थी, शायद अब उसकी आखिरी निशानी बनकर रह गई है। आसमान काला होता जा रहा था, शाम ढलती जा रही थी। उन दोनों ने सुबह से रात तक अपनी जान लगा दी और दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ। उन दोनों ने तो यहां तक कि पूरे दिन कुछ खाया पिया भी नहीं। यश के पास भी कम ही अंगूर बचे थे। उसने तय किया कि वो 20 किलोमीटर की सीमा से बाहर निकलेगा। आखिर उसने यहां हर गली, हर मोहल्ला, हर कोना अच्छे से छान मारा लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है बस इतना ही था, थैंक यू। शायद भाविका बेंगलुरु में है ही नहीं। मैं कल पुलिस स्टेशन जाऊंगी और उनको भी शिकायत दर्ज कर दूंगी और बस उम्मीद करूंगी कि एक दिन मुझे वो वापस मिल जाए, अनन्या ने थक कर निराश होकर आखिर में यह बात कही। 10 पहले ही बज चुके थे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी समय लगे, मुझे जहां जाना पड़ जाए लेकिन मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। आज नहीं पर शायद एक दिन मैं उसे वापस जरूर ले आऊंगी, अनन्या ने कहा। यश पहले तो चुप रहा लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। अनन्या यश की तरफ हैरानी से देख रही थी। यश ने भी उसकी तरफ आराम से देखते हुए जवाब दिया, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 दिन और मदद कर सकता हूं, उसके बाद हमें पड़ोसी शहर में जाना पड़ेगा और मुझे क्लासेस के लिए वापस भी आना है। तुम्हें वैसे जरूरत नहीं है सचमुच, यश रुका और उसने कहा, लेकिन मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूं और मैं सच में उनको ढूंढ सकता हूं अगर वो मेरी सेंसिंग रेंज में आ जाए तो, उसने ये बात थोड़ी रुक कर कही आराम से। अनन्या मुस्कुराई मगर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पहले ही यश के तरीकों से मेल नहीं खाती थी, लेकिन उसकी अच्छाई को मना नहीं किया। तो फिर तुम आज मेरे घर रुक सकते हो, हम सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ निकल पड़ेंगे, अनन्या ने कहा। श्योर, यश ने कहा। उन्होंने गाड़ी को बेंगलुरु हाईवे पर बहुत तेज दौड़ाया। जैसे जैसे खिड़की से बाहर लोग कम और नजारे ज्यादा दिखने लगे, यश ने उससे पूछ ही लिया, तुम्हारा घर है कहां वैसे? मोहन चौक। मोहन चौक के आगे छोर पर स्थित एक हवेली है मेरी, अनन्या ने कहा। यश ने अपना सिर खिड़की पर टिका लिया। अमीर लोग, उसने अपने मुंह में एक अंगूर डाल लिया और काफी अंगूर तो खत्म ही हो चुके थे, तो यह गलत होता अगर यश वो सारे अंगूर खत्म नहीं कर देता। ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है,
जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 18, ये लड़की कौन है। यश को एक अजीब सी भावना महसूस हुई और उसने उससे हैरान कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि क्या मुझे कुछ हो रहा है। उसने जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लिया और भाविका के बारे में सोचने लगा, उसका नाम और वो कैसी दिखती है। वो अजीब भावना धुंधली होने लगी, लेकिन साथ साथ एक जगह का चित्र उसके मन में बनने लगा। उसके मन में आया, ये क्या है, मैं समझ गया। यश ने अपनी आंखें खोली और उन्हें बड़ी करके कागज के टुकड़े को देखने लगा। उत्सुक होकर वो चिल्लाया, गाड़ी रोको, अभी रोको। अनन्या बहुत शांति से गाड़ी चला रही थी, लेकिन जैसे ही उसने यश को एकदम से चिल्लाते हुए सुना, उसने तुरंत गाड़ी के ब्रेक्स दबा दिए और गाड़ी तेज आवाज के साथ रोड पर फिसल गई। जब वो रुकी तो सड़क पर घिसे टायर्स के निशान की रेखा बन गई थी। क्या हुआ, अनन्या ने पूछा। यश ने जल्दी से वो कागज ऊपर उठाया और बोला, भाविका, भाविका यहां है। अनन्या हैरान हो गई और एकदम से कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। अगले ही पल उसने पास से देखने के लिए वो कागज यश के हाथों से छीन लिया और पूछा, सचमुच क्या यही वो जगह है जो तुमने अपनी दूरदृष्टि से देखी थी। यश ने सिर हिलाते हुए बोला, उसे यही होना चाहिए और ये जगह हमसे 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगी। उत्सुक होकर अनन्या ने कागज पर लिखे हुए पते को देखा और वो देखकर उसकी मुस्कान धुंधली हो गई। उसने यश की तरफ अजीब टकटकी से देखा। भ्रम में यश ने पूछा, क्या क्या हुआ। अनन्या की जुबान से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने काफी कोशिश करके जवाब दिया, ये मेरा घर है। कुछ पल के लिए गाड़ी में शांति हो गई। दोनों सोच रहे थे, ये कैसे मुमकिन है, लेकिन दोनों अलग अलग मामलों पर शक कर रहे थे। ये सच था या नहीं, अनन्या को यह पता लगाना था। बिना स्पीड लिमिट की परवाह करे उसने पूरी ताकत से गाड़ी का पैडल दबाया और बिजली की तरह घर की ओर चल दी। जल्द ही 15 मिनट से भी कम समय में वो हवेली के पास पहुंच गए। अनन्या ने अपने घर के सामने गाड़ी रोक दी, अपने गैराज तक में अंदर नहीं खड़ी करी। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और बगीचे को पार करा और घबराते हुए दूसरी मंजिल पर जाने के लिए दरवाजा खोलकर घर के अंदर चली गई। यश उसके नक्शे कदम पर नहीं चल पाया, पर जैसे तैसे वो भी घर के अंदर पहुंच गया। अनन्या बहुत अमीर थी। उसका घर एक हवेली थी जिसके आगे एक अलग बगीचा भी था। घर के अंदर का आर्किटेक्चर काफी रिच फीलिंग दे रहा था। हल्के ग्रे रंग की वजह से घर बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहां कई फ्लावर पॉट थे जो ग्रीस से आए थे, इटली से आया झूमर था और शानदार ग्रेनाइट का फर्श भी था। घर में महंगी से महंगी चीजें थी। हालांकि यश अनन्या की अमीरी को देखकर प्रभावित था, वो हवेली के अंदर और जाता गया और दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों पर पहुंच गया। जैसे ही यश ने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, उसे ऊपर से अनन्या के जोर से रोने की और साथ ही में एक बच्ची की नम्र सी आवाज आई जो अनन्या को शांत करते हुए कह रही थी, माँ आप रो क्यों रही हो। यश तभी रुक गया और माँ बेटी को उनका निजी समय देने के लिए वो बाहरी कमरे में चला गया। इतने दिन एक दूसरे से ना मिलने के बाद वो इस समय की हकदार थी। वो सोफे पर बैठ गया और अपने फोन में इंस्टाग्राम चलाने लगा। बाकी चीजों के बीच इंस्टाग्राम पर वहां किसी ने एक लड़की की तस्वीर डाल रखी थी। वो बड़ी आंखों, ऊंची नाक, गोरी त्वचा और खूबसूरत चेहरे के साथ सुंदर लग रही थी। वो एक परदेसी लग रही थी। तस्वीर के ऊपर लिखा था, ये लड़की कौन है। यश ने सीधा जवाब में लिखा, मैंने इसे 3 मिनट तक देखा और मुझे यकीन है कि ये काजल अग्रवाल नहीं है। फिर वो आगे देखने लगा और तभी उसे उसी लड़की की तस्वीर दोबारा दिखी, क्योंकि इतने कम समय में उस लड़की की तस्वीर यश को 2 बार दिख गई थी। तो उसने उसे नजरअंदाज नहीं करा और उस पे टैप कर दिया। वो एक नया पोस्ट था जिसका कैप्शन था, न्यू राइजिंग स्टार काजल सेन ने अपने नए काम पर से पर्दा हटाया। अब ये कौन है यार, यश ने उस पोस्ट को देखते हुए कहा।
ये ऑनलाइन स्टार्स चाहे शॉर्ट वीडियोस में डांस करने वाले लड़के हो या इंस्टाग्राम वाली प्यारी लड़कियां, जब भी उनका वीडियो वायरल होता है तो वो हर जगह इंडिया में बस छाए रहते हैं। लेकिन वही बात है ना, समय के साथ आप लोग भी भूल जाते हैं। बस कुछ लोग ही हैं जो लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाकर अपना नाम बना लेते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि यश उसे नहीं जानता था, और चाहे ये लड़की कोई पॉपुलर एक्ट्रेस भी हो तो भी यश ने कभी इतना सोचा ही नहीं कि वो किसी को याद रखे, क्योंकि आखिर में उसने कभी भी किसी को अपना आइडल बनाकर उसका फैन नहीं बनना था। आखिरकार एक इंसान को अपना आइडल बनाना और फिर उसका फैन बनकर रहना और उस आइडल को वर्शिप करना, सिर्फ ये बड़े और अमीर लोगों के शौक होते हैं। गरीब लोग ऐसे शौक नहीं पाल सकते। और तभी उसे किसी की सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज आई। यश ने तुरंत अपना फोन साइड रख दिया और घूम गया। अनन्या अपनी छोटी सी बेटी को नीचे लेकर आए हुए थी। उस छोटी सी बच्ची की आंखें काफी बड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल गोल, बहुत प्यारा था। उसकी आंखों में चमक वो तो अलग ही निराली थी। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और यश की तरफ ऐसे देख रही थी मानो उसके मन में कितने सवाल हैं। अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए देखा और पूछा, मम्मी ये कौन है? अनन्या ने तुरंत से अपने हाथ को झटका दिया और कहा, ऐसे बात करते हैं, उन्हें अंकल बुलाओ। यश ने हंसते हुए कहा, भैया बोलेगी तो भी चलेगा। छोटी सी बच्ची ने यश की तरफ देखा और हल्की प्यारी मुस्कान देते हुए उसने अपने दो खरगोश वाले दांत भी दिखाए और बोली, हेलो अंकल। अनन्या ने अपनी छोटी सी बेटी को सोफे पर बिठाया और उसे यश से इंट्रोड्यूस किया, कहा, ये मेरी बेटी है भाविका। मैं सच में आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती कि आपने मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और मेरे मन की सारी शंकाएं भी दूर हो गई हैं कि आपने कैसे अपनी क्षमता से मेरी बेटी को ढूंढ निकाला। वो सच में घर में ही थी। आज के लिए अनन्या काफी सारी भावनाओं से गुजर चुकी थी। वो बस एक अंधविश्वासी औरत थी, वरना वो कभी भी इस फॉर्चून टेलिंग और ना जाने क्या क्या के लिए तो कभी भी नहीं जाती। एक दिन पूरा यश के साथ गुजारने के बाद उसकी आधी अंधविश्वासी धारणाएं डगमगाना शुरू हो गई थी। इतना कुछ होने के बाद भी यश ने कहा कि वो भाविका को ढूंढने के लिए उससे कोई पैसे नहीं लेगा। उसका शक और ज्यादा बढ़ने लगा। उसे ऐसा लगा कि ये कैसा बेवकूफ है कि उसने पूरे शहर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेन और एक पेपर लेकर अंगूर खाते हुए अपना टाइम गुजार दिया बस एक बच्ची को ढूंढने के लिए। और एक वो है जो इस बुद्धू फॉर्चून टेलर के पीछे पीछे पागल हो गई, उसी की सुनने लग गई। अगर उसके पास इतना ही फालतू वक्त था कि वो ऐसी बेवकूफी वाली हरकत करे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती कि उसने अपनी गायब बेटी के लिए पैम्फलेट्स एंड होर्डिंग्स भी लगवाए होते। किंतु जब उसने यश को उसके घर का पता एक कागज पर लिखते हुए देखा, वो हैरान थी क्योंकि उसके पास इतने सारे घर थे, लेकिन ये हवेली शहर के बाहरी हिस्से में आती है और इसीलिए उसने ये निर्णय लिया था कि रात को वो वहीं रुकेगी, क्योंकि वो दोनों पूरे दिन से ढूंढने के बाद अपने लक्ष्य के काफी करीब थे। वो यूं ही हमेशा यहां नहीं रहती थी, इसीलिए किसी को उस हवेली के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है। वो यहां केवल वीकेंड्स पे अपनी बेटी के साथ यहां समय गुजारने आया करती थी। उस समय पर उसको यह मान नहीं पड़ा कि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, जहां उसके मन में यह भाव आया था कि उसकी बेटी यहां हो सकती है। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि ये एक जादू है या फिर उसके पूरे दिन की मेहनत, या वो उसकी आखिरी उम्मीद थी कि उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। इसीलिए तो वो दोबारा गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। वो बस ये जानती थी कि या तो उसे वहां उसकी बेटी दिखेगी या उस इंसान के चेहरे पर से मुखौटा हटेगा जो इस सबके पीछे था। जब वो दूसरे माले पर पहुंची और उसने अपनी बेटी भाविका को देखा, तब उसके भाव उमड़ पड़े और वो अपने आपे से बाहर हो गई। यश सच में एक मंझा हुआ कलाकार था। उसने भाविका को ढूंढ ही निकाला। वहीं दूसरी ओर उसकी मां अनन्या के भाव समझ नहीं आ रहे थे। भाविका को ढूंढने के लिए अनन्या को खुद के घर ही वापस आना पड़ा और इसका यश से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे यश को थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है। काफी लोगों के साथ ये सब पहले भी हुआ होगा, जहां उन्होंने भी कुछ ऐसा महसूस किया होगा। बस पहले मामले आसान और सीधे से आते होंगे, जो कि आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं।
मगर कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कभी कभी सीधे मामले भी बहुत ज्यादा पेचीदा हो ही जाते हैं, जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने ना आ जाए जो इन मामलों को सिरे से सुलझा सके। चाहे फिर उस व्यक्ति को कोई स्विच दबाना पड़े या कुछ कहना पड़े, बस मामला सुलझना चाहिए। एक इंसान को इसकी पहचान तभी होगी जब वो सामने आएगा, इस मामले को देखेगा और फिर समझेगा कि असल में ये मामला इतना सीधा भी नहीं था। अनन्या की सिचुएशन एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन थी और इस मामले में उठे हुए सवाल काफी पेचीदा थे जिनका कोई जवाब नहीं था। पर कभी कभी जवाब हमारे सामने होता है, लेकिन जब तक कोई हमें पॉइंट करके नहीं दिखाता वो जवाब हमें दिखता ही नहीं। चैप्टर 19, अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही होता है। इस घटना पर भी यही थ्योरी लागू हुई। भाविका 2 दिन से गायब थी और अनन्या भी उसे 2 दिनों से ढूंढ रही थी। जहां उसने पूरे शहर को छान मारा, उसने एक बार भी बाहर की ओर वाली हवेली को देखने का सोचा भी नहीं। हालांकि यश ने पहले ही भविष्य देख लिया था कि अनन्या वहां गई और उसने अपनी बेटी को ढूंढ लिया। ये बेशक यश की मेहनत थी, वरना कौन जानता था कि कब तक भाविका उस हवेली में फंसी रहती और अनन्या को उसको ढूंढने में कितना समय लग जाता। अपनी बेटी को अपनी बाहों में देखते हुए अनन्या को वो मुश्किल घड़ी याद आ गई जिसका सामना उससे पिछले 2 दिनों से करना पड़ रहा था, खासकर आज। लेकिन वो सब कुछ वर्थ इट था और अब उसे शर्म आ रही थी कि उसने यश पर शक किया। वो अनजाने में सीधी होकर बैठ गई और यश से बोली, मास्टर यश, मेरी बेटी को ढूंढने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसके बदले में क्या चाहिए, मैं आपके लिए जो भी कर सकूंगी मैं तैयार हूं। फिर उसने अपने बैग से लाल लिफाफे में लिपटा पैसों का ढेर निकाला और यश को बढ़ाया। ये 10,000 रुपए हैं, एक छोटा सा शुक्रिया, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए मास्टर। यश गांधी जी के चेहरे वाले नोटों के ढेर को देखकर चौंक गया, लेकिन अगले ही पल वो नॉर्मल भी हो गया। पहले शायद उसके मन में इन पैसों के ढेर को देखकर लालची विचार आते थे, लेकिन उसने पहले ही सोने से 20,000 रुपए कमा लिए थे और अब सामने रखे 10,000 रुपए उसे जरूरत से ज्यादा लग रहे थे। हालांकि वो एक रियलिस्टिक इंसान था, इसलिए उसने पैसों के ढेर को पीछे धकेल दिया और कहा, शुक्रिया सिस्टर अनन्या, आप ये पैसे रख सकती हैं। मैं सच में आपके लिए बहुत खुश हूँ कि भाविका वापस आ गई, और असल में वो खुद ही वापस आई है, तो मेरा ये पैसा लेना सही नहीं है। यश के असल में यही विचार थे। भाविका खुद ही घर लौट आई थी और उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। अगर वो बिना कुछ करे ही वो पैसे ले लेगा तो शायद वो रात को सो नहीं पाएगा, लेकिन अगर पैसे थोड़े कम होते तो शायद वो ले भी सकता था, जैसे कि 888 या 1888 या फिर 2888 रुपए होते तो सही होता और वो बिना किसी शर्म के वो पैसे ले सकता था। लेकिन 10,000 रुपए लेना उसे अपने मन में कुछ सही नहीं लगा। ऊपर से गोल्डी बाई ने कहा था कि यश को कमीशन मिलेगा, उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन जब उसे हिस्सा मिलने ही वाला था तो अनन्या से पैसों से भरा लाल लिफाफा लेना सही नहीं था। इसलिए यश ने अपने मन को शांत करा और आभार के तोहफे को अस्वीकार कर दिया। अनन्या ने जोर देते हुए कहा कि वो ये पैसे ले ले। उन दोनों के बीच ये पैसों को एक दूसरे की तरफ धकेलना काफी देर तक चलता रहा और फिर अंत में यश ने अनन्या को मना लिया और आखिर में वो पैसे नहीं लिए। चूंकि भाविका लौट आई थी, यश को अनन्या के साथ अगले शहर में जाने की जरूरत नहीं थी, तो वो आगे चल दिया। अनन्या ने यश को घर छोड़ देने का ऑफर दिया, लेकिन यश ने पहले ही मना कर दिया था। अनन्या ने कहा कि उसे वैसे भी भाविका को छोड़ने के लिए सिटी सेंटर वाले घर जाना ही है, तो यश साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वापसी के रास्ते में यश और भाविका पीछे की सीट पर बैठे थे जबकि अनन्या गाड़ी चला रही थी। किसी कारण से भाविका यश को लेकर बहुत दिलचस्प थी और उसने यश के साथ पीछे बैठने की जिद करी थी। वापसी का रास्ता थोड़ा बोरिंग हो गया था, इसलिए यश ने बातें शुरू करते हुए कहा, अच्छा वैसे भाविका, तुम घर वापस कैसे आई? तभी अनन्या ने गाड़ी चलाते हुए जवाब दिया कि भाविका ने बताया था कि जब वो खो गई थी तो उसने वापस आने के लिए मेट्रो और पब्लिक बस का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि अनन्या अपनी बात पूरी कर पाती, भाविका ने गुस्से में उसे टोका कि मैं खो नहीं गई थी, वो आप थी जो खो गई थी,
मैंने आपको बोला था कि मैं टॉयलेट जा रही हूँ और वहाँ से आके मैं माइकी के रेस्टोरेंट वाली जगह पर आपका इंतजार करूंगी, लेकिन जब मैं वापस आई तो आप वहाँ नहीं थी। मैंने आपको ढूंढने की भी बहुत कोशिश करी लेकिन आप जा चुकी थी, तो मैंने अपने साथ अपना छोटा बैग लिया, मेट्रो ली और फिर बस पकड़कर घर लौट आई। अनन्या यश की तरफ देखकर माफी भरी मुस्कान देने लगी और बोली, मैं उस दिन काम में बहुत फंस गई थी और मैं उस समय फोन पर थी, शायद इसलिए मेरा ध्यान नहीं था जब भाविका ने मुझे मिलने की जगह बताई और अंत में मैंने उसे खो दिया। यश को यह माँ बेटी की जोड़ी बड़ी अजीब लग रही थी। उसने सोचा, ये दोनों इतनी भरोसेमंद है नहीं जितनी लगती है। क्या सचमुच ये छोटी सी लड़की खुद से घर लौट आई थी? ये थोड़ा खतरनाक है। बेंगलुरु एक बड़ा शहर है और एक 4-5 साल की लड़की अकेली मेट्रो और बस लेकर सेफली घर कैसे आ गई? क्या बेंगलोर सच में इतना सुरक्षित है या फिर लोग ही इतने बेपरवाह हैं? जैसे यश के मन में सवाल आए उसके बाद भाविका उत्सुक होकर बोली, वैसे घर वापस जाते समय काफी अंकल्स और आंटीज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी माँ से खो गई हूँ। उन्होंने मुझे मेरी माँ से मिलवाने का भी सुझाव दिया, लेकिन मैं एक स्मार्ट गर्ल हूँ, मैंने सबको मना कर दिया। मुझे मालूम था वो अंकल और आंटीज जिन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश करी वो सब गलत लोग थे। यश ने सोचा, कोई शक नहीं कि पुलिस क्यों कुछ नहीं जानती थी। अनन्या की भाविका को सिखाई हुई सुरक्षा की तरकीब कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। अनन्या धीमी आवाज में बोली, असल में पहले दिन मैंने पार्क में मौजूद ब्रॉडकास्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश करी और पुलिस को संपर्क करा, लेकिन पुलिस ने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए मैं गोल्डी भाई के पास चली गई। गोल्डी भाई मेरी मदद नहीं करना चाहते थे और मुझे मना करे जा रहे थे। शुक्र है उन्होंने मुझे आपसे मिलवा दिया, वरना मैं जान ही नहीं पाती कि इसका सामना कैसे करूं। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, भाविका तो खुद ही घर लौट आई। यश ने बोला, अगर आप ना होते तो शायद मैं भाविका को इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाती, अनन्या ने कहा। यश ने आगे बहस नहीं करी क्योंकि वो जानता था कि यह सच था। कुछ ही देर में अनन्या ने यश को उसके सोसाइटी के बाहर छोड़ दिया। इतने में यश गाड़ी से उतरा। अनन्या फिर से भाविका के साथ जाने से पहले उसे शुक्रिया करने लगी, तब जाकर वे दोनों जाने के लिए गाड़ी में सवार हुई और चली गई। जब यश अपने बेसमेंट में पहुंचा तो उसके दिमाग में एक पीप आई, ब्रॉन्ज मिशन कंप्लीट, प्लीज चेक योर रिवॉर्ड। यश किसी जल्दी में नहीं था क्योंकि वो जानता था कि टैप करने के बाद एबिलिटीज रैंडमली मिलनी थी। उसने ना ही अपने हाथ धोए थे और ना ही अपने मुंह पर ईंट मारी थी, इसलिए वो सब्र से काम लेना चाहता था। उसने अपना बैग टीटू की तरफ फेंका और बाथरूम में अच्छे से हाथ धोने के लिए चला गया, और ऑफ कोर्स उसने अपना लकी साबुन भी इस्तेमाल करा। फिर जब उसके हाथ फूलों की खुशबू से महक रहे थे, वो बाथरूम से निकल गया और अपनी लकी ईंट लेने जाने लगा जो उसे कल मिली थी। उससे पहले टीटू ने उसे रोक लिया। उसकी दो छोटी सी उंगली जैसी टहनियां आगे आ गई जिनमें एक लिफाफा था। टीटू ने यश को टोकते हुए कहा, टीटू टीटू। यश ने पूछा, ये क्या है? टीटू ने वो लिफाफा खोला और उसमें से गांधी जी की फोटो वाले लाल नोटों का बंडल निकाल कर रख दिया। बंडल की मोटाई देखकर वे करीब 10,000 रुपए लग रहे थे। वो पैसे देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, क्या तुम्हें ये लिफाफा बैग में मिला? यश ने टीटू से पूछा। टीटू टीटू। टीटू ने सिर हिलाते हुए बोला, ये पैसे असल में अनन्या की तरफ से थे जो कि उसने चुपके से बैग में डाल दिए होंगे। यश ने जो भी हुआ था वो सब याद करने की कोशिश करी। अगर उसे सही याद था तो अनन्या ने उसका बैग छुआ भी नहीं था, लेकिन जब भाविका उसके साथ पीछे की सीट पर बैठी थी शायद तब उसके पास मौका था, तो उसने चुपचाप से ये लिफाफा उसके बैग में रख दिया होगा। जरूर अनन्या ने भाविका को ऐसा करने के लिए कहा होगा। इस तोहफे को देखकर यश का दिल भर आया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग बचे हैं। उसके साथ ऐसा बहुत कम होता था कि वो किसी घटना से इनाम ना ले, लेकिन इस बार वो दिल से कुछ अच्छा करना चाहता था और उसके आश्चर्य में उसे पिछली बार से ज्यादा इनाम मिला। यश मुस्कुराते हुए बोला, शायद इसी को कहते हैं अच्छे इंसान के साथ अच्छा होना। यश ने अपना फोन निकालकर व्हाट्सएप पर दबाया और अनन्या को शुक्रिया भेज दिया। 2 मिनट के बाद अनन्या का जवाब आया, वो मैं हूं जिसे आपका शुक्रिया बोलना चाहिए।
फिर यश को एक वॉइस मैसेज आया जो कि भाविका की प्यारी सी आवाज में था। शुक्रिया बड़े भाई, यश मुस्कुराने लगा। इसी समय शहर के किनारे पर एक आलीशान हवेली में गोल्डी भाई व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को देखते हुए चिप्स खा रहा था। तभी उसने अनन्या का स्टेटस देखा। धन्यवाद है ईश्वर का और एक दोस्त का जिनकी वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। शुक्र है, ये झूठी चेतावनी थी। अनन्या के स्टेटस पर उसकी और भाविका की तस्वीर थी। तस्वीर में उनकी मुस्कान बहुत सुनहरी लग रही थी। गोल्डी भाई हैरान हो गया। उसका एक चिप्स उसके मोटे पेट पर गिर गया और उसे एहसास भी नहीं हुआ। उसने सोचा, हैं? उसने बच्ची को ढूंढ निकाला? चैप्टर 20, दूसरी एबिलिटी पाना। गोल्डी भाई को पहले तो इस पर यकीन ही नहीं हुआ। एक पार्ट टाइम फॉर्चून टेलर के तौर पर वो भी ये बात जानता था कि फॉर्चून टेलिंग और ये सब केवल एक ढोंग है, तो यश को तो बलि का बकरा बनना ही था। मगर इस सब से ये साबित होता है कि यश को भाविका कहां थी ये पता चल गया। उसमें ये क्षमता कहां से आई? ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। जैसे ही उसका दिमाग घूमा, उसके हाथ से चिप्स छूट के गिर गया और उसने तुरंत से अनन्या को मैसेज लिखा। अनन्या जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्र है कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन आपको आपकी बेटी मिली कहां? 2 मिनट बाद अनन्या का एक छोटा सा मैसेज आया जिसमें लिखा था, घर पर। जब गोल्डी ने उसका मैसेज देखा और उसे सब समझ में आने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगा। मन में सोचा, अब समझ में आया बच्ची कैसे मिली। बच्ची पहले ही घर चली गई थी। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी फॉर्चून टेलिंग बस एक तुक्का था। गोल्डी ने ध्यान से सिचुएशन के बारे में सोचा कि यदि मैं यश की जगह पर होता तो मैं तो अपनी जांच पड़ताल पार्क और अनन्या के घर से शुरू करता, क्योंकि यहीं पे बच्ची के मिलने की सबसे ज्यादा चांसेस होते। क्या लकी है ये लड़का। उसके बाद गोल्डी ने सभी कड़ियों को जोड़ और अपने ही दिमाग में पूरे मामले को निपटा लिया। उसने आखिर में एक लंबी सांस ली। ये दुनिया कभी भी नहीं बदल सकती, ये दुनिया कभी बदलेगी ही नहीं। बात आज भी वहीं आकर खड़ी थी कि फॉर्चून टेलिंग अब भी उसकी नजरों में बस एक धोखे का सौदा है। उसने अनन्या से और कोई सवाल नहीं पूछे, उल्टा उसने अनन्या से अपनी पेमेंट की बात की। उसने अनन्या को मैसेज लिखा, फिर अनन्या जी, अब आपको मेरी फॉर्चून टेलिंग की फीस दे देनी चाहिए ताकि मैं और मेरा दोस्त आपस में फीस को बांट ले। जब गोल्डी का अगला मैसेज आया तो अनन्या को परेशानी की वजह से उसके माथे पर शिकन सी आ गई थी, जहां उस समय वो भाविका अपनी बेटी के लिए ग्लास में दूध निकाल रही थी। वो कमजोर भले ही होगी, मगर वो बेवकूफ नहीं थी। वो कमीना गोल्डी, 2 दिन से वो इन सबको मुसीबत मानकर उसे टाले जा रहा था। उसे तो बस कुछ परेशानी को किसी भी तरह खुद से दूर करना था और इस मामले में वही सबसे बड़ी परेशानी बनकर बैठी थी। फिर भी बेशर्म होकर उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो पैसे मांगने लगा। दूसरी ओर शांति से सोचने पर अनन्या को लगा कि वो गोल्डी ही था जिसने उसे यश से मिलाया था। चाहे उसने कुछ ना भी किया हो, पर फिर भी उसे इस बात का श्रेय तो मिलता ही है, तो क्यों ना उसे उतना तो दे ही दिया जाए कि उसे कुछ पैसे ही दे दे। इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने 1000 रुपए गोल्डी को भेज दिए, जो कि उसी के बराबर थे जो उसने गोल्डी को दिए थे फॉर्चून टेलिंग के लिए। उसके आश्चर्य के लिए 2 सेकंड से भी कम समय में गोल्डी ने फिर से उसे एक तीसरा मैसेज भेजा जिसमें यह लिखा था कि अनन्या जी, ये सिर्फ मेरे अकेले की फीस है, मुझे अपने दोस्त को भी देने हैं, तो इस बार आपको 2 गुने पैसे देने होंगे। ये पढ़ते ही गुस्से से अनन्या का मुंह लाल हो गया। उसने पहले तो गोल्डी से कितने दिन मदद के लिए गुहार लगाई थी, वो अपने घुटनों तक पर चली गई थी, मगर वो मोटा कमीना आदमी, उसने उसकी मदद करने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। उसने ये तक कहा कि वो उसे अपने दोस्त यश से मिला देगा, मगर एक पूरा दिन यश के साथ बिताने के बाद उसे ये भी समझ में आने लग गया था कि यश और गोल्डी किसी भी हद तक कहीं भी दोस्त नहीं हो सकते। वे दोस्त थे ही नहीं, वो दोनों तो एक दूसरे को ढंग से जानते भी नहीं थे। यश बस एक बलि का बकरा बना दिया गया था और गोल्डी ने अपनी सारी मुसीबतों को यश के सिर मर दिया था। चाहे अंत में यश ने अपने आप को सही साबित कर दिया था, लेकिन इससे उस गोल्डी का कोई लेना देना नहीं था। वो कमीना बेशर्म आदमी तो अभी भी उतने ही बेशर्मी से 2 गुनी फीस मांग रहा था। आखिर वो इससे ज्यादा बेशर्म हो ही क्या सकता था। अनन्या को यह सारी बात इतनी ज्यादा चुभने लग गई थी, इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि वो तेज तेज सांसें लेने लग गई, मानो जैसे उसकी छाती बहुत ही ज्यादा भारी हो गई हो।
लेकिन क्योंकि आखिर में वो कभी नहीं बताना चाहती थी कि उसने यश को 10,000 रुपए पहले ही दे दिए हैं, इसलिए उसने अपने आत्मसम्मान को थोड़ा ताक पर रखकर 1,000 रुपए उस गोल्डी को भेज दिए। अनन्या ने 1,000 रुपए गोल्डी को और भेजकर उसको मैसेज लिखा, ठीक है, मैं इस बार आपको 2 गुने पैसे देने को राजी हूँ, क्योंकि ये यश के बारे में है और यश के लिए है। जैसे ही अनन्या ने गोल्डी को पैसे भेज दिए, उसने एक तो ये नहीं सोचा कि गोल्डी को अब कैसा लगेगा, और उसने गोल्डी को तुरंत से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। वो मोटा कमीना आदमी उसने बहुत परेशान किया था। अनन्या को अब ये लगने लगा था कि वो कैसे इतनी बेवकूफ बन गई कि गोल्डी की ये सभी बेमतलब के तौर तरीकों में इतनी बार फंसती गई। पैसे मिलते ही गोल्डी बहुत खुश हो गया और उसके गाल लाल हो गए। आखिर उसका काम तो निकल चुका था और उससे पैसे मिल चुके थे। उसने खुशी खुशी अनन्या को मैसेज लिखा, थैंक यू। मगर उसे तब पता चला कि वो ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। तब भी ये सब गोल्डी की उम्मीदों के अंदर अंदर था। उसकी कला प्रदर्शन पिछले काफी दिनों से काफी बेकार ही चल रही थी, तो ये औरत शायद वापस तो कभी ना आए, तो शायद सब कुछ ठीक ही है। क्योंकि ये एक वन टाइम डील थी, तो वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहता था। यश के हिस्से की सोचकर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो एक गरीब घर का कॉलेज जाने वाला लड़का है, और तो और उसका प्रीति से कोई लेना देना भी नहीं है। तो उसने सोचा कि वो यश को 2,300 रुपए देकर मामले को रफा दफा कर देगा। यश अपने टेबल पर बैठकर आराम से अपने दादाजी के नोट गिन रहा था। उसका दिल फूले नहीं समा रहा था जब उसने उस नोट के पहाड़ में 4,000 रुपए और जोड़ दिए थे। पिछले कुछ दिनों में उसने 3,00,000 रुपए कमा लिए थे, जो कि उसके पूरे परिवार के 3 साल की आमदनी से भी ज्यादा थी। ये पैसे न केवल उसके किराए के लिए काफी थे, मगर उसकी जेब खर्च के लिए भी काफी थे। उसके बाद भी पूरे जोड़ घटाव गुणा भाग करके उसे ये पता चला कि शायद वो इससे अपने अगले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस भी दे सकता है। यश ने सभी कैलकुलेशंस करके देखी और उसे पता चला कि रेंट निकालने के बाद, ट्यूशन फीस निकालने के बाद और अपने अतिरिक्त खर्च निकालने के बाद भी उसके पास कुछ 1,000 रुपए बचते हैं। अब उसने ये सोचा कि वो ये बचे हुए पैसे अपने घर पर वापस भेज सकता है, जहाँ इनसे उनके माँ बाप की कुछ परेशानियाँ कम हो जाएगी और कुछ बोझ कम हो जाएगा। जहाँ यश बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके माँ बाप बहुत ही मुश्किल जीवन काट रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक के यश के कुछ कमाए हुए पैसे, जो कि उसने पिछले सेमेस्टर में कमाए थे, उन्हें तक स्वीकारने से इनकार कर दिया था। यश जानता था कि उसके माँ बाप उसके बारे में विचारशील हो रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बेंगलुरु में खर्चा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ सब कुछ बहुत महंगा है, और वो ये भी जानते हैं कि वो हमेशा वहाँ बाहर का खाना खाता है। इसलिए गरीब होने की वजह से कहीं अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक ना बने, इसलिए उसके घर वाले उसे और ज्यादा मना करते थे कि वो घर पर कोई पैसे ना भेजे। शुक्र है कि वो थोड़ा सा अमीर हो गया, क्योंकि इन पैसों से अब वो अपने घर वालों का जीवन कुछ बेहतर बना सकता है। आखिरकार उसके पास पॉइंट सिस्टम और उसके कल को बेहतर बनाने की गारंटी तो थी, इसलिए वो ये भी मान सकता है कि उसका और उसके परिवार का आने वाला समय काफी अच्छा होगा। जब वो पैसे गिनकर उठा, क्योंकि उसके पास एक भाग्य की देन से एक अच्छा मौका था, उसने सोचा कि वो अपने ब्रॉन्ज मिशन से कमाए हुए इन इनामों को सोच समझकर चुनकर ले सकता था, और इससे पहले कि वो चुनाव करता, उसके पास एक और अच्छी चीज थी करने के लिए। उसने अपने बैग से उसकी जादुई ताकतों वाली ईंट को निकाला, ताकि उससे वो अपनी नई क्षमताओं का चुनाव कर सके। जब यश को ये जादुई ईंट मिली थी, तो उस समय उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस ईंट का इस्तेमाल भी कर पाएगा। कौन जानता था कि 2 दिन बाद ही ये ईंट इतनी काम आएगी। खराब सा मुंह बनाकर यश ने उस ईंट की तरफ देखा, जो कि देखने में तो कोई बदली हुई नहीं लग रही थी, बिल्कुल एक सामान्य ईंट की तरह दिख रही थी। तब भी जबकि यश ने अपने पॉइंट्स भी उस ईंट में डलवा दिए थे, वो रोना चाहता था, लेकिन वो आंसू बहाने में विफल रहा। उसने आज तक उस ईंट से औरों के मुंह पर वार किया है, पर किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो इसी ईंट से अपने खुद के मुंह पर भी मारेगा। उसने सोचा, आने ही दो, ब्रिंग इट ऑन, जितना जल्दी मैं इसे करके निकल जाऊंगा, उतनी ही जल्दी मैं पावरफुल हो जाऊंगा, इंग्लिश के लिए, सेमेस्टर के टेस्ट के लिए और ब्रॉन्ज मिशन के लिए भी। यश ने अपने मुंह पर वो ईंट बहुत ही जोर से देकर मारी, बैंग। एक बहुत ही तेज आवाज के बाद यश का माथा और नाक बहुत तेज दुखने लगा। उसी समय उसने ऐसा महसूस किया कि कुछ बहुत ही गर्म सी धारा उसकी नाक से बहते हुए बाहर निकल रही है। उसने देखा कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। यश ने उसी समय ईंट को भी देखा और उसके ऊपर
एक काउंटडाउन टाइमर दिखने लगा, 29.512 एंड काउंटिंग। ये काम कर रहा है, यश खुशी से चिल्लाया। यश भले ही नहीं जानता था कि उसने खुद को कितनी तेज चोट पहुंचा दी है, पर फिर भी अब ईंट काम में आ ही गई है। उस ईंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। यश अब पीछे नहीं हट सकता था। उसने उस सारे दर्द को खुद में समा लिया था और अपनी खून से बहती हुई नाक को इग्नोर किया जहां वो उस बटन को दबाने लगा। चेक रिवॉर्ड। उसके बाद सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आई, ब्रॉन्ज मिशन कंप्लीटेड, ब्रॉन्ज पॉइंट्स एक्वायर्ड, एबल टू ऐड द ब्रॉन्ज पॉइंट्स टू वन ऑफ द 3 रैंडम एबिलिटीज प्रोवाइडेड। पुश नोटिफिकेशन के बाद एक ऑप्शन विंडो खुल गई जहां उसके पास 3 विकल्प थे चुनने के लिए। पहला, गिटार बजाने की क्षमता। दूसरा, गिटार बजाने की क्षमता। तीसरा, गिटार बजाने की क्षमता। मतलब क्या है ये? क्या है ये? क्या बकचोदी है ये? क्या यार? यश को सिस्टम को मां की गाली देने का इतना ज्यादा मन किया क्योंकि उसके दिमाग में ये आया कि ये कैसा तरीका है, ये किस तरह की रैंडम एबिलिटीज दी गई हैं? गिटार बजाने की क्षमता, ये क्या है, ये कैसी क्षमता है? और तो और, ये तीनों सेम क्यों है? सिस्टम ने पहले नहीं कहा या बताया था कि ऑप्शन जिनमें से चूज करना था वो सेम ही होंगे। उसी समय एक बार फिर एक विंडो उसकी आंखों के सामने आ गई जिसमें लिखा था, एक ही क्षमता के 3 लेवल्स। रिवॉर्ड एबिलिटीज आर रिलेटेड टू एलिमेंट्री टैलेंट, वॉइस स्पेशलिटी। उसी के बाद एक और विंडो आंखों के सामने आ गई जिसमें लिखा था, एलिमेंट्री टैलेंट, वॉइस स्पेशलिटी। नोट, जब आप गाना गाएंगे आपकी आवाज और भी ज्यादा सुरीली लगेगी। आपकी मन की भावना जब आपके गानों से मिलेगी और आप दिल को छू जाएंगे तब गिटार बजाने की क्षमता एक अलग ही लेवल की हो जाएगी। यश का माथा खराब हो गया। अब इस बकचोदी का मैं क्या करूंगा? क्या अब मुझे लोगों के सामने गाना बजाना करना पड़ेगा? तुम क्यों मुझे एक बहुत ही सुरीली आवाज दे रहे हो? और ये काम सिर्फ तब करेगी ना जब मैं गाना गाना जानता हूं। मैं तो कितनी बार ढंग से बात भी नहीं कर पाता। चलो और कुछ नहीं, तुम मुझे गिटार ही दे दो, इतना ही सही। यश ने अपने मुंह पर से खून को पोंछा। उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक बहुत ही अच्छी डील को खो दिया है। अगर सिस्टम ने ये गिटार बजाने की क्षमता दी है तो सिस्टम ने उसे एक गिटार क्यों नहीं दिया? क्या वो अपनी सुरीली आवाज के साथ गिटार बजा पाएगा? नहीं तो उसे इस पर भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों में से 100 रुपए निकाले। वो चाहे अब इस सबको कैसे भी देख ले, मगर इस बार वो बुरी तरह से हारा था।